अरे भाभी रोटी पकड़ा दे, एक घंटा हो गया बैठे बैठे। क्या बात बेटा, कैसे गुस्सा हो रहा, क्यों फेंक दे खाना? अरे नून ठोक रखा है इसमें। ए रूपा, ये ज्यादा नमक गेर दिया के सब्जी माज। भाई मैं तो न बहुओं से भी दुखी होगी। हाँ हाँ मैं तो जान के गेरू, जो कम गेरती हो ना उसे ही बुला लो। हाँ जान गेर है या इस चिमटे को मेरे सिर में मार। मेरे बस की ना इस डांगर के टिकट पाथरे। मैं पूछूंगा नौकरानी मान रहे यारे, उन्हें कहे तो न्यारे नहीं होने देते। तू चिंता ना कर बेटा, मैं बनाऊंगी रोटी, अभी मैं जिंदी बैठी हूँ, घबरावे ना तू। वाह खेत में भी दही तोड़वावे, आके फिर इन डांगरों का भी करे, और फिर तारे टिकट ही पाथे वा। हाँ चिमटे तो आ गया था, चमचा रह गया था। अरे तू जहर दुआ दे हमें, खेत में कौन सा खाल खोद रही है वा। अरे थोड़ा सा काम भी करवा दिया, अरे छाती पट गई उसकी। बड़ा आया बहु का हिमाती, चला जा परे को, जोरू का गुलाम मजनू या फिर है। उसकी गलती को गलती तो मान रहा ना, और पर्दा ढक रहा। यह बबीता ऐसे थोड़ी सी घी शक्कर ला दे, इसका मुंह कड़वा हो रहा, सारे दिन घर में बड़ी रहे। इसका तो रोज का वही काम है, जो खेत में 24 घंटे काम करेगा उसे तो छाई की एक बूंद भी ना, इसे दे दो घी शक्कर। अरे माँ तू हमें न्यारा कर दे, अपने अपने आप बना खा ले करूँगा, दोनों टाइम पानी तो घूट के खानी पड़ रही है। तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे इसका कुछ ना है इस घर में, बराबर का हिस्सा है इसका भी। हाँ हाँ सब इसका ही है, हमारा ना कुछ भी। सारे बीज तो यही बो रही है, ना तो हम न्यारे होंगे, और जब से इस घर में आए हैं ना सुख की चैन नहीं बिल्कुल भी। सुन ले इनकी, तू मान रहा है ना नौकर, तू हमारा खून चूसने को फिर रहा है। खून तो तुम चूसवा लग रहे हो, सोबर कह ली न्यारे हो जाओ। आग लग रही है न्यारे की, समेट लो सब माल को नुई। अरे के पंचायत से लगा रखी के रोला तार रे तमियो, इनके लग रही है न्यारे की आग। तुम्हें तो हुक्का पीने से ताश खेलने से फुर्सत ना, मुझे छोड़ जाओ इस झमेले में। चार भाइयों के बीच में बैठ के ताश खेलिया हूँ तो उसकी भी आग लग रही। जो तेने जन रखे इनमें देख के भीड़ तो हो रही है, के महावरा चलन लग रही है, बात बना हुए आगे की। बस तुम मेरी बात मानो और इन्हें न्यारे कर दो, धरो इनके ढोबरे अलग, मेरे बस की ना रोज की रोज इनके झमेले में पड़ना। अरे करवाती क्यों नारा, ढंग तो रोटी तो मिल जाओगी। सोनू न्यारा होगा अब, हमने इसके ब्याह का ठेका ना ले रखा। अरे ब्याह ना हुआ 6 साल तो क्या हम अपने हाड़ नुई कुटवाते रहेंगे, हमें क्या अपने बालक ना देखने। अरे मैं तो न्यारी हो के रहूंगी, देख लो कैसी जुबान चल रही है न्यारी इनकी। लक्की ओ लक्की आजा। अरे आलिया पहलवान। अरे कहाँ जा रहा तू, कहाँ गया? यू गया ब्याह करवान, मेरे ब्याह के चक्कर में तो हो रही है ड्रामे। शर्म तो ना आ रही होगी तुझे, लुगाइयों की तरह लड़ना बैठ जा बस। सारी दुनिया में भाई देखे होंगे पर थारे ते तले तले ही। अभी ना देखा कुछ भी, आ जान दो मेरे साले को, दिखाऊंगा फिर। वो पटवारी का बीज भी आ रहा गया। बस साले की धमक दिखाने लगा है हर बात में। हेलो हेलो। हाँ बेटी बबीता। मुझे ये सारे के सारे जीन ना दे रहे पिताजी, मुझे 2 दिन हो गए रोटी का टुकड़ा नहीं तोड़ा मैंने, तम आ जाओ जल्दी से। यो मोनू के करे है, इन्हें तो बोलने भी ना देते, तम आ जाओ जल्दी से, मुझे आके न्यारी करवा जाओ। अरे काम का हाथ मत लगा दिए, कल को सूरज निकलने से पहले ही आ जाऊंगा, कहती हो तो प्रधान को भी साथ ले आऊंगा। ठीक है पिताजी, तम आ जाओ जल्दी। चिंता ना करे आ जाऊंगा मैं। नुई बने बैठे रही हो गुग्गू से, तो मैं के करूं? करना के मेरे भाई को फोन करो और उससे नु कह दो अभी के अभी 1 घंटे के भीतर भीतर यहाँ आ ले, उनने तो कर दिया अपने रिश्तेदारों को फोन, तुम बैठे रही हो हाथ पे हाथ धर के नु करके भोंदू बने। पता ना कैसा आदमी पल्ले पड़ गया मेरे तो, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। हेलो। राम राम जीजा, ठीक भी? हाँ भाई रामपाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक काम करो तुम दोनों भैया यहाँ आ जाओ, हम न्यारे होन लग रहे हैं, तमी आके ढेरी लगाओगे
मैं ना छाटू थारे बिना एक खाट भी। और तमी करनो मोसा तो है भैया, मोसा तो है, जो रूपा सामान लेकर आई थी ना मारी बुढ़िया, उस पे भी कब्जा करे बैठी है। ठीक है तो जीजा, आ रहा फिर। ठीक है, ले कर दिया फोन, पीछे पड़ी रहे मेरे बहंदो सी। अरे लक्की है के आजा ने। कब? राम राम। राम राम। के बात घणा ही रोला से हो रहा था। अरे के बताऊं ताऊ, वो न्यारा होने के चक्कर में राड चल रही है। अरे ऐसे तेरे बापू को मैं सोबर कह दिया, यू भी बिल्कुल पानी पगू गारी फेर रहा। अरे ताऊ तू ही कुछ सोच ले, तू ही राह बटवा सके। अरे मैं तो तेरे ब्याह की सोच रहा, अब तेरा ब्याह हो जा, आजा बैठ। अच्छा हाँ आजा। तजे एक बात बताऊँ। हाँ बताता हूँ। बताम्मा तू पहले ओक्का पी। ऐसा है यू है ना मारे वाला सतेंद्र, इसकी एक साड़ी है घनी सुथरी, और मैं सोच रहा तेरा ब्याह उठवा दूं उसकी। क्या अच्छा ताऊ, पर एक काम करिए, किसी के आगे जिक्र ना कर दिए। ताऊ तू चिंता मत मानना बिल्कुल। अरे मुझे चिंता ही तेरे ब्याह की बेटे, और कहीं की चिंता है। ले पी ओक्का। ताऊ कुछ कम सा रहा भर लाऊं? अरे ऐसे तो छोड़ तू, ये तो भर रहा तू। वो सतेंद्र जा रहा खेत में, तू उसकी बुग्गी भरवा ला। बुग्गी तो मैं किल्ले ही भर दूंगा, बस मेरा ब्याह करवा दे। अरे ब्याह तो हो गया तेरा, तू चिंता ना मानना, जा। और हाँ सुन, इनका डांगरू का गोबर से हटाता जा। अच्छा जा। बाप हो तो ताऊ जैसा एक महरेवाड़ा, वो तो न्यारा करवाने के मामले में फेल है, ब्याह के नाम पे तो कोमा ही पकड़ जाएगा। ठीक है ताऊ हटा दिया। तो भाग्या चले जाओ, केला बिरान हो रहा होगा, जा। ठीक है ताऊ। हाँ जा। पता तो इब चलेगा, इबला तो संडरावे थी ना 8 बजे लो खाट में, अब पता चलेगा जब छोल में जागी। हाँ दादी तन्ने खाना सिखाया हमें तो। हाँ, सारा कुछ तो मेरा ही बरत रहे। जब मैं आई थी तसलों में चून मड़े करे था, एक प्रेशर कुकर लाई थी उसमें भी आग दे दी। तसले में कहा सबके सास मारता खोर में मंडाया चून। बोले जा रही है तिरिया, तन्ने का रखे घर के बाहर के नहीं आ रहे, सुसरी ज्यादा बोल लगी तो चीर का सुखा दूंगी अभी। अरे क्यों घर सर पे ढा रखा, के बात होगी? तमने तो करवा रखा जन्म दुखी, तम तो हो ही रहा आड़ की जड़, इन्हें न्यारे ना करते, इनका न्यारे न्यारे की आग लग रही है। अरे दिमाग खराब हो रहा क्या तेरा, नशा कर रखिया, भांग भी रखी तेने, न्यारा होना बता रही है। जब लो लक्की का ब्याह नहीं होने का ना, कोई न्यारा नहीं होने का। नू करते रहो ब्याह, ब्याह ब्याह ऑन दे आए ये लंका उसका, ये ना ऑन दे ब्याह उसका। नू कह बहु राखनी नाती, इन तेरी आन को मेरा राख तो राख तो जन्म दुखी हो रहा। रूपा का लाया एक एक सामान याद है मुझे, खोल लो सारा सामान, एक एक कटोरी बिछाण दूंगा। और जो मेरे पीहर ते आया ना, वो तो सारा अपनी थी के पुचा दिया। हाँ सुदेश तो तेरा दिया खावे, या उसका ना किसी चीज की भी कमी, ना थार तरी हो तेरा खानदान की, असल खानदान की है वो। तुम उसकी जाते हेज में बताओ, उसने तो मेरी परहेज भी लको के रख ली थी, वो तो मना काट दी उसके झोले में से। आ जाए खाली हाथ हिला के, लेने ही जाने हैं बस, नू भी ना होती 2 मीटर लत्ता ही ले आवे। आ जा जैसा है, मैं रोन आ रही हूँ यहाँ। चोटी मत बता मेरी छोरी को, यूँ बता रही हूँ तुझे, अन्नी सुसरे ठीक बना दूंगी, अरे कुलेल ने बताऊंगी ना मोहल्ले पड़ोस में, तो थारे जन्म में थूक देंगे, नटनी हो रही है। अरे थम जा चुप हो जा, के घुसरा थारे पैर के तले यू। पैर के नीचे ना घुसरा कुछ भी, हाल लग रहे से घर वाले, मैं ही बताऊंगा क्या केलाई दिया। अच्छा यू पटवारी का बीज भी आ रहा क्या? हाँ। अरे आन दे, तू तो उन पे कूद दे, मजनू हो रहा। काट दो सारा सामान, लाओ बरामदे में, मेरा सुसर भी आने वाला, उसमें सारी लिस्ट है, कुछ तो मैं नहीं पता, 2 लिहाफे 4 गद्दे और 2 पंखे हाथ वाले। अरे मोनू, ओ सोनू तू भी सुन ले, रिश्तेदारी तो दुनिया की है, पर भाई थारे ते तले तले है। मैं तो नू सोचा घर में चाय बन रही होगी, अरे चाय पी लूंगा, पर तुमने तो मेरा ही खून पी दिया भाई, खून पी दिया भाई तुमने तो मेरा ही। अरे इतना भी दहेज न लाई है जो मैं दुनिया को दिखाती डोल लूं, इन ढोबर इनके मारे फूल लेना समारी है, ये खाने के बर्तन लाई है इनके मारे होश न ले रही। हेलो। हाँ लक्की। हाँ पहलवान। अरे यार तू मुझे न्यू बता दे, तुझे ब्याह करवाना है ना करवाना? अरे मैं भी यहाँ इसी जुगाड़ में लग रहा हूँ। तू जुगाड़ में लगे रहिए, हम यहाँ ब्याह की बात कंफर्म कर बैठे। जुगाड़ बता रहा जुगाड़ रहा पक्का सही है काम।
लक्की भाई भजन में हर के घेर में छोरे को देखने वाले आ रहे, उसका ब्याह तो होना नहीं, उन्होंने उसे कर दिया रिजेक्ट। तू जल्दी से आ जा वरना वो समीर सिंह के राजेंद्र को जाकर देख लेंगे। हाँ बजाम मेरे घेर में आऊंगे और क्या, हम तुझे बिरजू के कॉलोनी पर बुला रहे, तावड़ा आ जा। ठीक है मैं आज लग रहा हूँ, तब उन्हें घेरू राखियो और क्या, इन्हें पकड़ कर खूंटे से बांध दू। तू जल्दी आ जा और इनसे सीधी बात कर ले वरना ये निकल जाएंगे। ऐसा के बिल्कुल भागने को तैयार है के? अरे भागने को तो ना हो रहा, पर कान से ठहरा चलने के लिए। बस नहा के और लत्ते बदल कर आ लिया। तू लत्ते बदल कर जल्दी आ जा। ले उरे कोई है? साले फोन चीन रहा भुंडी शकल के, मांग ना सकया। चल जल्दी चल। ठीक है भाई। ठीक है तने तो आज वैसे भी श्रीमंत कर दिया हमारे तो। अरे जामे, अरे तेरे ब्याह की टाल होगी? हाँ भाई वो तो गई। अच्छा तो अडोलची बाट देख रहा है? अरे डोलची कहाँ है? आजा आजा सुद्धा यहाँ आजा। अरे तुम यहाँ क्यों पड़े हो, मेहमानों द्वारा क्यों बैठते हो वहाँ चल गए? अरे बैठ जाएंगे, पहले थोड़ा सलाह मशवरा तो कर लें। ओ पजामे तू तो बैठ जा, तेरा ब्याह तो जी भोवे ना जी भोवे। ले बैठ गया। पजामे तू ब्याह की क्यों नाट रहा? अरे यू कहाँ नाट रहा, यू तो जत्थर में काट दिया, यू कह लगे इसका जत्थर कम है। तो कीमती है? हाँ घना कीमती है, दो का करेगा ब्याह, एक का पिछले साल करा, मेरा पप्पू बता रहा था। बड़ा एटीएम है। अच्छा तो मैं पानी पास की पूछ रहा हूँ, दो का ब्याह करेगा, एक तो हाथ लगी जाओगी। मेरा जी नहीं कर रहा इन्हें अपने घर ले जाऊँ, पर वहाँ तो लगन लग रही होगी ना ढेरी। बैठ जा यार, सारा काम होश में करेंगे, पर जब मैं के दो राउंड फेल हो लिए। अरे वो देख रहा सरकारी नौकरी वाला। अच्छा तो इसका मतलब रिश्ता गया हाथ से। पजाम में तू बीड़ी लगा, रिश्ता ना जान दे हम कहीं भी, जाल बिछा देंगे। अरे जाल तो मैं बिछाऊंगा, पहलवान में घनी अकल है, पहलवान के साथ चलेंगे ना तो भैया समीर सिंह के कहो जाओगा। ओ पजम्मे मेरी बात सुनो, तू अपने बापू को लेकर निकल यहां से, जब लक्की को पेश करेंगे। ठीक है। और सुन तुझे हम नौकरी वाला बताओगे और तू चुप रही। तू जैसा कहेगा ना ऐसे कर लेंगे, नाम साला लक्की पर ब्याह के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। हाँ। चलो देखो तो सही, हो गया ब्याह तो, मान गया पहलवान, तू तो मेरी शासे भी आगे चल रहा। अरे चलो कभी यही बात करते रह जा और बेली कट जा। हाँ, चलो, 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 चलो चलो चलो। लड़का तो है जी मेरे तरह बहुत बढ़िया लड़का, बहुत पढ़ा लिखा लड़का, देखो घर बार भी। अरे यहाँ मर रहे हो, लल्ला वाली बिजली का तार टूट गया, ईंख में आग लगी, भूखा तो यहीं दे रहेगा, आके पी लियो, भागो भाग जल्दी, वहाँ तो आग लग गई। हाँ जी मारा हाथ पकड़ो तुम, मैंने सुनी तुम गांव में लौंडा देखने आयो। हाँ जी मेरी नजर में एक लौंडा है, उसके हिस्से में 30 बीघे तो धरती आ गए, नौकरी पक्की और सज जगह कोई झंझट नहीं, न्यारा होने वाला, देखने में एकदम ढक्कर छोड़, और आदमी इतने पक्के हैं कि इलेक्शन में जिसकी हाँ कर देंगे उसी की वोट देंगे, और माँ हरियाणा की है, बाल को के रिश्ते की कोई दिक्कत नहीं आने की। अच्छा जी फिर तो मिलवाओ लड़के से। और कोई तसल्ली करनी हो तो अपने गांव के कलीराम से कर ली, झोंका ले गया था इनका आज तक याद करे। और रही बात ब्याह की, चाहे इन्हीं का नाप तुम्हें कर ले, ब्याह जैसा चाहो ऐसा कर लियो, दावत जैसी चाहोगे वैसी मिलेगी, और बोतल जोन से कहोगे वही खुलेगी। अब तुम बताओ अपने दिल की बात। थारी सब बात ठीक है, पर एक बात तो बताओ, लड़के पर धरती 30 बीघे आवे है? अजी आज तो है इतवार, कल थारे द्वारा फरद की कॉपी पहुंच जाएगी। और एक बात और, जमीन पर कोई लोन निकाल रखा, और बोंड मलकपुर गेट का है, बाजा सारे जड्डो टोली। लड़के से मिलवाओ तो। युवराजी लौंडा, अरे बैठ के अब हाथ मत ठवा, खड़ा हो जा, हम ब्याह कर रहे हैं, कोई ड्रामा थोड़ी ना। अरे बेटा बैठ जाओ, अब ये बताओ थारे बापू का क्या नाम है? जी साहब सिंह है जी। अजी सब जाने, अब के बीडीसी का चुनाव लड़ रहा, थारी लौंडे को कमी ना होने की कुछ, और साजे के कील भी ना छोड़ दे, बुग्गी का खड़वा तख्ता पहिया बम सारे को बांट के एक कील बांट के लेंगे, समझ में आ गई? ठीक है तो मैं चलूं फिर। हाँ ठीक है जी। एक बात हो रहा जी, गांव में सोढ़ाड़ा के माना सो उड़ान वाले, थारी यार भारी होनी है, तुम किसी के चक्कर में ना आइयो, उड़ान को तुम्हारे घर वाले भते रहे। ठीक है। डोल जी तू रिश्तेदार को छोड़ गया। ठीक है जी, मैं देखूं पजामा की साइकिल है के। हाँ
प्लान कैसा रहा? बढ़िया। हाथ पे पड़ेगा कुछ पकड़ता लाइए, पैसे मैं दे दूँ। यस। ओ नो। देखो रात तो देखे ना गया। अरे रात तो अपने आप दे देगा, जब बुढ़िया फर्द देख लेगा। फर्द लेके जाओगे कौन? जब तक कौन, तू ही जाइए। और सुन, इस बहन ने नजर से भी मारता ही है। नहीं, मैं तो बस उठी पर आने जाऊंगा। अरे तो डोलची को भेजेंगे, पजामा तो खुद कैंडिडेट है। अब मैं चलूं, मुझे घास काटनी है। अब तू एक काम करिए, सवेरे मिल लिए और फर्द जरूर मंगवा लिए। ठीक है, चल। भाभी, ओ भाभी। अरे आजा पी, तो मैं तो तेरे कई दिन से बाट देख रही। आजा बैठ। ले बैठ गई मैं। और सुनाओ, ठीक ठाक? इन छाड़ वाली तू तो आती भी नहीं, मैं तो आ भी जाऊं। के करूं, मेरा घर से ही सोपता ना होता लिकड़ने का। दो तो बहु है तेरे, जब भी सोपता ना होता। ए तू पी तो बहुओं की तो वस्तु बुझे ही मत। बहु तो रोज न्यारे होने की नियोजे अवड़े तुड़ा रही है। नू सोच रही घड़ी की चुथाई में न्यारे हो जा। अरे बहु तो कतई दादी हो रही है, मारी भी न्यारे होने को जेवड़ा तोड़ रही है। कद न्यारी हूँ कद लौंडे की गैल जाऊं। एक दिन तो न्यारी रोटी पोवे ही। हरे देवन ने खुशामंद करके मनाई। ए पी तो तेरे वाली मान तो गई, हमारे वाली ना मानती। हमारी ने तो कर रखे पी हर फोन। और कल तो सारे बगड़ में बर्तन ठाठा के फेंक रही थी। तेरे जेठ से मैंने नू कही ना न्यारी कर दे लंकान को, पर वो भी ना सुनता। वे के कहवे फिर? नू कहवे है की लक्की का ब्याह करके न्यारा करूंगा। कौन सा बम फोड़ोगे तुम ब्याह करके? ना तुम ब्याहन दे रहे ना न्यारा कर रहे, पता ना कद हटा गया धारा 370। देखिए पी तो ऐसा क्या है ये? भला दुनिया का कोई माँ बाप ऐसा है जो अपनी औलाद का ब्याह रोक देगा? हैं? ब्याही तो ना होने दे रहे तुम। ब्याह वालों की मांग है न्यारा होगा तो ब्याह करेंगे। तब मैं क्या पता दुनियादारी में क्या चल रहा? अरे हमें ना पता दुनिया में क्या चल रहा, पर तू नू बता, तू कहाँ था अब तक? अरे हम बतावेंगे, यू कहाँ था? बलजीत की बुग्गी भरवा रहा था और के कर रहा था, कहाँ था और यो? अरे तुझे शर्म ना आई? दही तोड़वाते वहाँ है घर में तो तुम पे कुछ काम होते ना, फिर रहे दुनिया की बुग्गी भरवाते। अच्छा, जो सा मेरे ब्याह के चक्कर में अपनी दही तुड़वाता फिर है, मैंने उसकी ट्रोली भरवा दी, थार पे जोर पड़ गया। वे करवाएंगे ब्याह तेरा। अच्छा, तुमने तो करवा दिया। अरे ब्याह उनके हो जो नौकरी करे। हाँ, सोनू मोनू तो बैंक में लग रहे है ना, उनका तो जहर देने से ब्याह करवा दिया। लकी को पागल बना रहे हैं। अरे बेटा जैसे ये कह रहे हैं वैसे मान जा। अरे चाची, 2 साल तक इनकी तो मान रहा हूँ, अब जो मेरे आदमी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी नहीं मान रही है। अरे बेटा मानक रहे माँ बाप की। हाँ भाई डोलची, पजामे अर्की ट्वेल्व पे आ जा, एक बात फाइनल करनी है। अरे पजामे को फोन कर लिए, मीटिंग है। ठीक है, आ लिया, बस जल्दी आ। अरे कहाँ चल दिया आयू? मैं भी चलूं। अरे बैठ जा, कहाँ चल दी सुनते वाली? वो मनिहारू के धोरा जा रही, बहू को चूड़ी परानी। बहू तो ठीक ठाक सेवा कर रही है। हाँ, अब मैं जा रही हूँ, मुझे दूध लिकाड़ना। चलो ठीक है। अरे पजम्मे, ये डोलची कहाँ गया, आया क्यों ना? अरे आ रहा होगा, हांडता घूम रहा होगा कहीं और क्या। अरे ससुराल न्यू घूमते फिर जा, न्यू धक्के खावे ये। हाँ यार, यू आ लिया। हाँ बे डोलची, आजा, कहाँ घूमता फिर रहा तू? अरे मैं तो मौसा को टेम्पू में बिठा के आया, वो मेरी साइकिल खराब हो गई थी। अरे बात तो फाइनल है ना? अरे भी फाइनल ना, और कद होएगी? अभी कुछ कसर है? मैं मोती हूँ, जब आके फाइनल करेंगे। मोतिया, तुझे भी मूतना अभी आया? अरे यो तू उनकी कह रहा, हमें भी तो अपनी तैयारी करनी है, क्या क्या करना। अच्छा चल देखेंगे। मास्टर आ लिया। अरे ये पहलवान काहे मड़ा जरा, इसके बिना कुछ ना हुआ फाइनल। यो मूतने गया, सिंचाई सी करता हूँ मैं। अरे कर आया सिंचाई? हाँ बढ़िया है बरसम। आजा भाई, फाइनल तो ही गाँव ना होंगे, वही बीमारी है इसमें जो मैं कह रहा था। अरे गाँव क्यों ना होंगे, कौन सी बीमारी है? जब तेरी आँख में आग लगी। हाँ। किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई, और लक्की के ब्याह का सारे गांव में रोड़ा। अच्छा रे, मारे वाले मोनू पता चल गया ना, तो मंदिर में जाके और रेडियो पर रुक्का मचवा देगा, और बड़े साहब सोनू पता लग गया तो ढोल वालों को बुलवा के गांव में ढिंडोरा पिटवा देगा। हाँ नुक्के नु ही है। और मेरे पिताजी को पता लग गई तो वो तो नु कहेगा हम ना करते। क्यों क्यों, ब्याह तो न्यारा होंगे, न्यारा भी करते नहीं, सारी अटकल मारे वाली अड़ा रहे हैं। भाई ब्याह तो रुके ना, राम जी के अटकाने से भी। तू से जाना है मारे फुप्पी के लौंडे करमवीर को। वो रागिया? हाँ,
अरे उसकी पूरे जिला बागपत में दादागिरी चल रही है, उस सिक्योरिटी गार्ड में और तड़की जाके तू उससे मिल लिए, वो कहीं ना कहीं तुझे अड़जा देगा। अरे एक काम और करिए, फरद और कटवाता लीजिए, भूल मत जाइए। फरद तड़के ला दिया है, देख अभी आनी है। इब सारे मेरी बात सुनो यार, कान खोल के बक दे तू भी क्या क्या। भाई मेरे बापू को पता नहीं चलनी चाहिए, इस ब्याह में मेरा हाथ है। बात सुन ले, इस ब्याह का मास्टरमाइंड तेरा भाई है पहलवान, और इस ब्याह को हो जान दे, तेरा बापू पे भी बहन मरवा लिए और तुम करवा लियो चाहे दो ब्याह, और तेरा बापू ब्याह करवाता हो तो कह दिया उसका ब्याह करवा देंगे हम। इब मेरी भी सुनो, तू भी बक दे, ब्याह के बारे में जो भी बात बतलानी है इसी ट्वेल पे बैठ के बतलानी है। लक्की तू भी सुन, तू बिगड़े बहुत जल्दी, अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। अरे मैं चाहे कितने बिगड़ू पर ब्याह वाले मामले में थार से चौकस हूँ। इतना डर मुझे गांव वालों का ना है जितना डर मुझे अपने घर वालों का है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, तड़के ही फरद ला दियो मुझे, मैं पूछाई आऊंगा और उंगे से उंगे पंडित जी से तारीख करवाता लाऊंगा। तू एक बात पूछ ले पंडित जी के, महाराज न्यारा होने का सोन बने अकना। देख यू बात जरूर पूछ कहानी है, कभी भूल जा, ब्याह इसी बात पर डिपेंड है। तब मुझे अपने की तरह गुरु घंटाल मानो के, मैं ब्याह से संबंधित सारी बात पूछ काऊंगा। मैं यूं कहूं था आज रिश्तेदार भी आ रहे कहियो। आरा बड़ी वाली का भैया लपटंगू सा, वही भाग गया इंग्या को। वो रामपाल पटवारी का बीज, मुझे ना पता कौन रामपाल और कौन सामपाल, छोटे वाली का बाप आरा कचाड़ू सा। वो कहां है? सब बढ़ रहे हैं भीतर। अरे मोनू सोनू कहाँ है? वे भी उनके धोरे बैठे हैं, उन्हें पढ़ा के न लाऊंगे। लक्की का पता, लक्की कहाँ है? होगा वो भी बाहर, सब एक ही बेल के तो हैं ये। मैं तुम सब बेर बेर नू कह रही हूँ ना, न्यारे कर दो न्यारे कर दो। हमारी समझ में ना आती एक बात, कैसी माँ है तू, अपने कालजे के टुकड़ों को न्यारा करने पे तूल देने लग रही है। रोज रोज के इस कलेश से न्यारे कर दोगे तो ठीक है। भाई मेरे जीते जी तो मैं बंटवारा होन नहीं दूं। नू कहूं न्यारे पे ना जोर दिया करते, समझ गई, कट्ठा करने की बात रखा कर, न्यारा न्यारा करू जा। राम राम मौसा। अरे पटवारी, अरे अच्छा अच्छा रामपाल आजा भाई। हाँ के जा, तुम तो आने का काम छोड़ते ही नहीं, खुद ही आना पड़े हमें। अरे तेरा घर है, रिश्तेदार है, जब मर्जी जब आया कर। जब ये हमारी बहन न्यारा होने को कह रही, तुम इसका सामान क्यों नहीं बांटते? अरे के सामान लाई थी वहाँ चार बासन के अलावा जिसे बांट दूं, रोज इन्हें ठाके बैठी रह कहले बांट दो बांट दो, बांट ले अपने को। क्यों कह रहे थे के लाई थी? मैं बताऊंगा के लाई थी, हमारे रिश्तेदार की बेइज्जती करे जाओ, इतना सामान लाई थी घर में धरने की जगह भी ना पाई थी। अरे चार गुदड़े लाई, उन पे ऐसे भी ना बना दो मीटर कपड़ा भी धर दूं ऊपर से, वो भी मैंने धरा था, जब दिखा दुनिया को सामान। मेरा तो सारा लाया कुछ तुमने अपने धीकू पहुँचा दिया, मैं तो तुम्हारे लिए कली भी लाई थी, तुमने वो भी वही पहुँचा दी, तुमने छोड़ा कुछ यहाँ? समझा लो ना, बेर बेर छोरी को क्या है मेरी को, बता दूंगी ना राज्य। अरे नास का डब है घर का, सारा सामान लाई थी, नो कह रही के लाई थी, पांच बिस्तरे चार दुतई कुर्सी मेज संदूक अलमारी सारा सामान 4.5 लाख का था, मुझे सब याद है। बिजली की नहीं, पंखा प्रेस कूलर दोनों की मच्छरदानी भी तो लाई थी। आड़ू के बीच ज्यादा न बोले, नहीं पता लग रहा है। अरे जो लाई थी बांट लो अपने को। 5 बासन 6 दांत की 21 अगली पिछलियों की नाई की बामन की पता न किस किस की जोड़ के दे रखी, एक एक चीज याद है मुझे, अंगली पे गिनवा दूंगा। और सोनू को नू मान रहे हो कुछ पता ही ना है, सोनू पहले वाला ना रहा है। ओ पहले वाले सोनू, तेरी सारी प्रॉपर्टी जो या संपत्ति है ना सारी दे दूंगा जो तेने गिनवाई है या। रामपाल सुन ले, एक कप दे दूंगा थारा बेचा ना सामान मैंने यहाँ से। अरे लेंगे और क्या छोड़ देंगे, बाट दो आज मेरी बात मानो तो, इन्होंने तो बिल्कुल अंत काट ली। ठीक कह रही तू, अब बन रहे घने देने वाले, थारे पे इसकी होली की एक कोथली तो बुझाई न गई ही, वो तो मैंने इंगे दिंगे ते जुगाड़ करवा के बुझवाई थी। और मेरा भाई रोज रोज अपना काम छोड़ के ना आने का है, आज मेरा भाई मुझे न्यारी करके जाएगा और मैं न्यारी होके रहूंगी। हाँ अरे न्यारी तो बाद में होगा, मैं जो सामान बच रहा उसे ठा के धर लेनी है, उसे भी दबा लेंगे। मेरी सोख पंखे के हाथ मत लगा दिया, ये मेरे घर से आया है, तेरे बहुत हाथ चल रहे हैं। घनी मत ना बोले, बायरोई की अन्य चुंडे ना पार लूंगी, छोटी है छोटी की तरह रह, जुबान संभाल के बात कर। तुम भीतर ही बैठे रहियो, बाहर मत आ जियो। ओ सोनू खबरदार, जो तेरा सामान है वो ही का, मेरा यही रहने दिए। यह अपराध मेरी देवी हुई है, देख इस पे निशान लगा रखा। अम्बे निशान लगा रखा, यह अपराध रूपा की है। अरे जिसने दिया उसे बताया तेने पता? ये ले, ये तेरा है। ये कटोरी तो मेरी है। अरे ये मेरी है।
मेरा है। अरे ये मेरा है। अरे ये है तेरा। झूठी, मुझे छोटा दे दिया। ले भाई कटोरी, कटोरी गिर गई कटोरी। अरे मोनू यह अपराध रूपा की है। अरे बड़ा झूठा आदमी है भाई, जो मेरी ससुराल का सामान है ना उसने मैं आंख बंद कर पहचान लूंगा। अरे अपराध तो वही है जो मैंने दी थी। अम्बे थारी ऐसी हो जाएगी, लाओ रे। ले भाई ये मेरी परात उरे गुलाब बन रहे परात वाले, मेरा बापू ऐसी ना रहा, एक एक चीज पहचान लेगा अपनी। हाय राम, यह कटोरी तुम्हारी है, इसे भी दाबे बैठी। हाँ। देखो गिलास भी मारा, उसे भी ले। हाँ हाँ। अरे यू गिला, यू कटोरी भी मारी है। ले ठा बाल्टी, ये भी तेरी है बबीता। बबीता इसने जल्दी ठा ले, ना तो ये दोनों कंगाल बैंक है ना जीजा साले, इसे भी ले लेंगे। तू जाने साना ना बने, सारे माल की कोनी भर के बैठिया, मेरे जीजा को क्या दिया। अरे पड़ गई अब तो तसल्ली, पड़ गया चैन। अरे बट गया सामान लक्की के लिए, अभी छोड़ा कुछ। लो सारा सामान लक्की को ही दे दो, हमें तो नू मानने जैसे गांव में थी, काट दे इन्हें तो। अरे रिश्तेदारों करवा दिया घर का नाश। अरे तुम भी माड़ी माड़ी बात पे यहीं आ जाओ, एक तो 1000 रुपए ली का ना आयो सामान। यू सामान हमारी ससुराल की पहचान है। अरे इस पहचान को सर पे रख के नाच तू, मैं ना नाच रहा तुझे। मर जाएंगे मिट जाएंगे, पर सामान ना जमा किसी को भी अपना। हाँ मर मिटो तुम। अरे मिटवा तो ये नकटी देंगी तुम्हें, ये जन कहाँ से उतरे खानदान की पड़गी मेरे घर में आके, जितना सा आई है लड़ाई 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 लड़ाई। हाँ तू तो बहुत चढ़े हुए खानदान की है ना, हमने तो कोई देखा ना तेरा भाई भतीजा तेरा पता लेना आता हुआ। इरे नकटी हो असल खानदान की हूँ मैं, तुम्हारी तरी ना हूँ, तन तन सी बात पा जा लल्लू पंजू टांग अड़ाने। तुम जा रहे होने काम भी होगा, दिखा शुरू, इन्होंने तो छाट लिया अपना सामान। एरी किसके योगदान था, हटी है धारा 370। मैं जो सामान लाई थी उसमें से तो कुछ मिला नहीं, एक भैंस लाई थी उस पे भी ऐसे निगाह टिका रखे जैसे गुड़ पे मक्खी। हाँ यहाँ के कुछ था, सब कुछ तमी तो लाई हो, ऐसी थारे माँ बाप थे भूखे नंगों के ब्याह दी थी तुम। घना मत बोल, हाँ के इस घर में गाय भी मेरा ससुरा लाया। अरे मैं तो नू पूछ रहा हूँ, मेरे बाटे में कुछ गिलास कटोरी चम्मच कुछ आई हो तो बता दो। ये क्यों बताऊंगे, अपने बापू तक पूछ ले। बेटे लगती यहाँ नहीं मिल रहा कुछ भी, तो सारा सामान बट बुटा लिया, सारी संपत्ति आई है इससे भी कुछ नहीं आ रही है। अरे घना तो बोल लेना, थारे शर्म लिया तो रही ना कोई से कभी। सारा सामान ठा ले इन्होंने, गाय भैंस इनकी ससुराड़ता आ रही है, घेरों में झोटा बंध रहा वो भी ससुराड़ता है मार रही है। तू कहना के चाह रहा, मेरी तो एक ही डिमांड है बस, झोटा लेंगे मैं। सारा टाइम उल्टा आ लिया, जो थारे जी में आ रहा वो कर लियो। उल्टा टाइम ना है, ये तो टाइम की डिमांड है। ओ पटवारी के बीच कनपटी पैसा मारुआ साब, जिंदगी चक्कर खत्म ना होने कहते रहे। यो पटवारे की चीज ना है, जो तुमने ना दिया हमारा खानदान नहीं हो का है यू। मौसम में अपने घर ना ले जा रहा है इसे ठाके, पटवारा तो हो गया काम नहीं मट लिया, मैं तो धानी घर ताजा करके लाऊं इसे। दिमाग ही खराब कर दिया इस बटवारे ने तुम्हारा। लक्की का फोन। हेलो। हाँ लक्की। हाँ भाई पहलवान, खुशखबरी है, जो तुम यू ब्याह करवा रहे थे ना यू होवेगा। अबे तुझे कैसे पता। नू मान ले पहला चरण पास हो गया। पहला चरण? अरे न्यारे होंगे, न्यारे होने खुशखबरी में तो करा फोन। ओहो फिर तो थोड़ा सा प्रोग्राम भी बना लेंगे। ना 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 ना, प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया वाला करेंगे हम। अरे मैं बहुत खुश हूँ। अरे यार इसमें हमारी इज्जत भी रह जाएगी, हमने छोरी वाले को न्यारा होने की जुबान दे रखी थी, और तू है कहाँ, आजा मिल ले। अरे मैं घर हुई हूँ, बता कहाँ आना है। अरे आना कहाँ है, यही आजा पजामे की ट्वेल पे। ठीक है मैं आ रहा हूँ, और मीटिंग भी वाले मुद्दे पे करेंगे। अरे अब तो इससे न्यारो कोई मुद्दा रहे ही ना। और तू एक काम करिए, 10-10 वाले 2 मंडल पकड़ लिए, पजम्मा और डोलची यही है, पजम्मे की छोल में छोड़ रहे। अरे ठीक है तुम चिंता मत ना करो, मैं सारा माल मसाला लेके आऊंगा। हाँ हाँ तो आजा। ठीक है कहाँ है वे।
अब लो छोल में लग रहे दिखे हैं। बैठ जा आने वाले बस बुग्गी भर की होगी। आ जा और सुना। बढ़िया बस तू बीड़ी लगा और उन्हें फोन कर। हाँ। वैसे तो मैं आने वाले होंगे बुग्गी भर की होगी पर तू कह रहे हो तो ला मिला लूंगा। घंटी जा रही है या लिए। अरे यार हम यहाँ बैठे हैं सारा छोलना नहीं बट रहा। अरे यार ढोरो का नियार तो करना पड़े। अरे हमने तो फोन की घंटी जाते ही दाती फेंक दी। साले भुंडी सकल के टोपे इंग्लिश पी कर दी तेरे बाप ने भी ले भी नहीं लगा। पहलवान बताओ कैसा होगा। अरे पहलवान क्या नहरी बतावेगा ब्याह का काम जोड़ो। सबसे पहले तो फरद देखाओ उसके बाद ही तो ब्याह का काम जुड़ेगा। ठीक कर रहा पजम्मा जो वहाँ फरद लेके जाएगा उन्हें सारी बात समझाओगा और न्यारा होने की बात क्लियर करके आओगा। न्यारे अरे न्यारे हो तो लेन दो। अरे न्यारे हो तो लिए और कैसे न्यारे होंगे यू न्यारा होने की तो है बोतल। न्यारा होने की न्यारे हो लिए थारी समझ में आने की बात। अच्छा न्यारे भी हो लिए और हमें बताई भी ना। अरे यार यू नेग ना जो सबको बताया जा यू भिया का मामला है। माड़ी माड़ी बात तो मुँह ना फला करते बात सारे गांव में फूट जा। मुद्दे पे मुद्दे पे मुद्दे की बात करो। कोई बात ना अरे न्यारे होने की दावत फेर ले लेंगे। तेरा दिमाग ही पता ना कहाँ रहे यू न्यारा होने की दावत चल रही है। अरे भाई डोलची और मंगा दूंगा इस तब बढ़िया मंगा दूंगा। पहले उस मुद्दे पे तो आओ जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं। चुप साले तेरे बाप दादा झोरे मर गए देसी पीते पीते और तू इंग्लिश भी रहा जिल जाएगी तेरे पे। हाँ हाँ चल ठीक है पर पहले यो बता फरद आली। अरे फरद तड़का आ जाएगी। तड़के नहीं फरद आज ही आओगी। आज क्यों करा जाएगी। अरे वो नेता है ना तहसील में। हाँ। एक काम कर उसे फोन कर और खाता नंबर बता फरद आ जाएगी। तू सही कह रहा ले। हाँ नंबर हैगा। हाँ हाँ मिला। हेलो। अरे नेता अरे मैं बोल रहा हूँ लक्की। हाँ भाई बोल। तू भाई एक काम करिए 394 और 96 B दोनों नंबरों को फरद कटवाता लाइए भाई। ठीक है तुझे काय में चाह जमानत करवानी का किसी की। अरे रिश्तेदार मांग रहे हैं ब्याह में दिखानी है लेता ये ना तो बारात में ले जाने का हूँ। ठीक है मैं शाम को लिया अम्मा। ठीक ले बे लक्की यू काम तो होगा सेट। अब तू एक काम कर सवेरी करमवीर से मिलके ड्यूटी ज्वाइन कर ले। ड्यूटी तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। हाँ। पर ड्यूटी पे जाने खातर मोटरसाइकिल तो चाहिएगी। अरे पहले जाकर मिल तो ले या मिलन भी मोटरसाइकिल पे जाएगा। ड्यूटी दिन की भी रहेगी और रात की भी रहेगी मोटरसाइकिल तो लानी पड़ेगी। तू ले ले फिर। अरे ले कहाँ तै लूं। ले बंटवारे में कुछ तो आया होगा। बंटवारे में ना आया कुछ भी हाथ तो। क्यों क्यों उनके रिश्तेदार आ रहे थे सारा सामान ठाठा के उनके माई धर दिया यहाँ ना मिला कुछ भी। अरे चिंता मत मान तड़के को इतवार की पीठ लगेगी। तू अपने वाले झोटे को बेचिए मोटरसाइकिल भी आ जाएगी और भी हमें भी सहारा लगेगा। रहो पजामे मेरे दिमाग की बात तेरे दिमाग में कैसे आई। नू मानो तड़के झोटा बिक जाएगा और मोटरसाइकिल आ जाएगी। अगर झोटा बिक गया तो नू मानो ब्याह का श्री गणेश हो गया। हाँ। भाई ज्यादा राज्य होने की जरूरत ना इस ब्याह में बड़ी बड़ी चाल चली जाएंगी बड़ी बड़ी चाल। अरे चाल चलने वालों का हमें पता है सोनू और मोनू की चाल चलेंगे और मेरे बापू को इस बात का पता चल गया ना वो भी चाल चलेगा और उसे भी थोड़े पानी में मत समझियो। अरे इन सारों की चाल काटेंगे हम पहले करेंगे हमन और फिर करेंगे काम शुरू। तू साले पहले ही ढोल पीट दे। हमन करेगा दिमाग से काम लेना पड़ेगा दिमाग से और जितना क्या उतना ही काम कर करो पहले बिकेगा झोटा फिर कुछ काम होगा। तुम इस काम को शुरू करो। हाँ। और मौज लो। हाँ। मैं झोटे की राह बताता हूँ। आई बुला यहाँ दर तेरा ससुरा भुंडी सकल का। आ खोल रहे पहलवान। आ अरे ओ कर ओक तो टूट गई। अरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है आपने हॉर्न ही नहीं बजाया खड़े हुए ज्यादा लगी तो नहीं आपको। कौन ही फूट गई। रुको
आप पानी पी लीजिए। क्या पानी? अरे सारा काम कर दिया तने खराब, जा अपना काम कर ले। अरे मैंने क्या बिगाड़ दिया इसमें? अरे अभी तो लेकर आया था, सेवल भी ना हुई, आने तो पहले एक्सीडेंट हो गया। अरे तो क्या हो गया, घर जाके सेवल करवा लेना। इसकी सेवल करवा के मुझे अपना नाश करवाना, 25,000 का नाश होना था, हो गया। देखो ये मेरा नाम तो लगाओ मत, ये सब अंधविश्वास है। और दूसरी बात, गाड़ी चलाते हुए आराम से चलाओ और फोन पर बात मत करो, ऐसे ही अंधाधुंध चला रहे थे। फोन? अरे मेरा तो फोन भी खूब। अरे लाओ नंबर बताओ। नंबर? हाँ नंबर, 9 9 9 9 1 1 1 1 4 4 4 4 8 1 8 1 5 5 5 5। हाँ ठीक है, रिंग तो यही आ रही है, देखो इधर उधर। अरे ये रहा, ये लो अपना फोन। अरे कोई बात नहीं, बाइक को खड़ी कर लो, मैं करती हूँ सेवल। अब जाओ और ध्यान से जाइयो, फालतू में फोन मत लगाना कान के और ज्यादा स्पीड से मत चलाना। ठीक कह रही है, ध्यान तो कहीं और ही चल रहा, पर खैर तू नहीं समझ पाने की इन बातों को। अरे ठीक है अच्छे से जाना, ठीक है। भाई के? हाँ भाई अजय। अरे गाड़ी ले आया दिखा है? हाँ ले आया। कितने की ले आया और कितनी चली हुई है? या 25,000 रुपए की लाया हूँ और 2 साल चली हुई है। महंगी लाया यार। अरे यार छोड़ महंगी सस्ती को, तू अपने बता। और मैंने सुना तुम न्यारे हो रहे गई हो और झोटा बेच रहे गई हो। हाँ तेरे भाग तो न्यारे भी हो गए और झोटा भी बिक गया। और मैंने सुनी तू ब्याह के मारे न्यारा हो गई है। भाई ब्याह की बात गांव में सब पहले तमी सुनो है। अरे यार मैं तो नू कह रहा था, 25,000 की तो बाइक लाया, 25,000 की बहुआ जाती। लिया ना फिर, थारे एक दर्जन रंड पे घूम रहे हैं तेरे दोनों चाचा, 10,000 रुपए बेंजीन तेरे उनके लिया। अरे यार तू तो छो में आ गया। छो में क्यों ना हूँ, हम ब्याह के कैसे कैसे दाबे दाब रहे हैं, तू नई नई बात लावे काट के। वो तो इतनी बात जब है, थारा मारा आना जाना ना है। चला जा ब्याह की पक्की करके जा आपका बारात की। तेरी 12 में बैठे बीड़ी बाड़ी पिया दे, शर्म कर ले। अरे देख बस सेट की जेब में पड़ा होगा मंडल, और फोन करके उस लक्की से तो पूछ ले उसने क्या करा। आई फोन पकड़ा, फोन पकड़ा। रहो पजामे, इस फाड़े को छोड़ दे, रनवे तो हम भी हैं पर तेरे तो तड़े तड़े पता नहीं क्या आग लग रही कमाने की। अरे आग तो घने सारे अड़ंगे में लगेगी, पर यूं तो लक्की के आए पर रहा बैठेगा। ले हुआ लिया तेरी बात लो भाई, देख लो आग ही मोड़ जाएगा। हाँ भाई वाह, अब तो फरद मैं बाइक से लेके जाऊंगा। अरे वो फरद तो ध्यान आई, वो नेता रस्ते मिल गया, मैंने वहीं उसका फरद ले ली। देख अरे वो फेरू के उरे को आजा, यू देख तो ले ठीक भी है के ना। भाई मोटरसाइकिल तो ठीक है, पर यो बता झोटा कितने का बेचा? भाई झोटा बिका 40,000 रुपए का, 25,000 के आगे मोटरसाइकिल और बाकी 15 ये बच रहे इन्हें तुम धरो। क्यों? इन्हें मैं घर में भी टेक सकता, जिसके जो भी हाथ लगे लेकर चल दे। भाई ये पैसे दे पहलवान को, इसके ही धोरे ठीक रहेंगे और आगे ब्याह में काम आएंगे। अरे ला यार तुम तो वैसे ही डर रहे हो। अरे एक काम कर डोलची, फरद आ गया, तू सुबह लड़की वाले के वहाँ चला जाइए फरद देने, और सुन मेरी बात, उनके भी ब्याह का काम है, और सुद्धा अपने घर आ जाइए कभी वहीं दावत मारा लगे। ठीक है भाई ठीक है। हाँ सुन, सुबह को इस मोटरसाइकिल को लेकर चला जाइए, मोटरसाइकिल को देखते ही बुढ़े के चुत्तर धरती में जाए लगेंगे, बहुत बकवास कर रहा था ना बैठा हुआ वो। हाँ ठीक कह रहा पता मैं तू। तो मैं ना पता ब्याह के बारे में, जितना मुझे पता उसे कुछ ही लोग जाने।
और सारा दिखावा करेंगे ब्याह में। और डोलची तू तो जी टेम्पू में, और भाई तू अपनी ड्यूटी पकड़ ले कल। ठीक है मजामे, तुझे 100 रुपए दे दे, तू तड़के पकड़ चला जाऊंगा। हाँ और डोलची इस बीड़ी को बाद में खा ले, पहले मेरी बात सुन ले। सुना? अरे नहीं नहीं रिश्तेदारी है, बाड़ो खतर कुछ ले जाइए। हाँ ठीक है बच्चों के लिए आधा किलो मूंगफली लेता जाऊँ। हाँ ठीक है। पहलवान जी, जितना पैसा हमारे पास ब्याह के नाम का है उसे ब्याज पर चढ़ा दे। चुप सकल के, ब्याज पर चढ़ा दे। और वो फागण में ब्याह करना कहता है, कहाँ से लाओगे पैसे? ना दिया किसी ब्याज वाले ने हमें उल्टा। डोलची अभी तो तू बालक है, इस ब्याह में मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। अरे यू किसकी मोटरसाइकिल लिए आया? किसके लिए आया? मेरी मोटरसाइकिल है, किसी की होती? अरे कम से कम पूछ तो लेता हमारे से। क्यों कौन है मेरा यहाँ, किस से पूछता मैं? हाँ न्यारा होते ही बेचने लगे चीजों को। अब मेरा काम चढ़ गया तो सब मेरे से जल रही हैं। जलना बताने लग रहा, काम तो बढ़ाया ना जाता, जोटा और बेच के आया तू। क्यों ना बेचते जोटा, कौन करता सो घास फूस? ये सोनू हरों से दिन रात जोतते, सही टंटा काटा मन ने। हाँ तुम तो सारे ही नवाब हो रहे हो। न्यारे होते सब अपने घर के नवाब हो जाए। अब मैं नौकरी करूँ या खेती में दही तोड़वाऊँ? अगले महीने ब्याह भी करना है। अरे ब्याह भी कर लिए, इस मोटरसाइकिल की सेवा तो करवा ले। अरे हो रही है इसकी सेवा? अरे किसने कर दी इसकी सेवा? घर में तो मेरा कोई है नहीं, तब सोच रहे इसका बाहर भी कोई ना है। अरे ना है तेरा कोई तो कर ले मारे बिना ब्याह। ब्याह तो हो गई तो मैं क्यों जड़त हो रही है? यू मुझे सुना के कह रहा है? अरे हम पे ना सुनी जाती रोज रोज, इसका तो रोज का ही काम हो गया। इसका तो दिमाग खराब हो रहा, तू बैठ जा। ब्याह तो हो गई। अरे ब्याह होगा तो हमारे सिर पे चढ़ेगा क्या तू अपने दोनों भाइयों की ढाल? तुम भीत काटो। भीत? तेरी या भीत ही काटो आज में ले। या खेसती भीत या है चाइना की दीवार, चांद पे तभी दिखेगी, समझ ले। अब चढ़ा ले इस पे भीत तू अपनी। बता रहा बात यहाँ सी? यहाँ फोन में लगे रही हो, वो वहाँ भीत काटन लग रहे, जाकर घेर मांग लो। जाओ, मेरे तो करम ही फूट गए, पता ना कैसा आदमी मिला, कुछ बोलता ही ना। यहाँ भीत जब लिकड़ेगी पहले मुझे घेर में 1.5 बिस्से जगह चाहिए। 1.5 बिस्सा जगह बता रहा? तुझे ना दू सुई की नोक बराबर भी धरती। क्यों ना दे? अरे हमारी मर्जी नु ही ना दे। मेरा साड़ा बता के गया था। क्या बता गया तुझे? वो पटवारी का बीज 96 बीघे जमीन बताई उसने। 96 ना है, 94 बीघा जमीन है। तो वो झूठ बोल रहा? अरे झूठ तो बोल ही रहा है, तुझे पता ना है हमारे धरती कितनी है? 96 बीघे धरती तुम्हारे पहले ही, 3 बीघे और ली ही, और अब बता रहे हो 94 बीघे। यू हो के रहा है ना? रिटायरमेंट के पैसे में तो हमें कुछ मिला। अरे तू मारी मानेगा उसकी मानेगा? हम तो उसकी मानेंगे। या अपराध ना है मारी, मारी तो नहीं पराती, या तो फुट्टी पड़ी है, वैसे हमें तो कुछ ना मिला। ए भगवान, कहाँ से चिंडाल मेरे घर में बढ़ गई आके, इन्होंने तो मेरा लाख का घर खाक में मिला दिया। हाँ हाँ इनके नाम कोई कमाऊंगा ना मैं। अरे चुप हो जा तू भी। झोटा साजे का था, हमें 1/3 के पैसे चाहिए। मैंने तो एक पैसा भी, मैंने खर्चे करूँगा अपना ब्याह करूँगा। अरे ब्याह तो हमसे ही पूछ के करेगा ना, जहाँ फर्द गई है ना वो आप अबीता की फुप्पी के गांव की छोरी है। मान गया मैं तुम्हें, थारा का सब CID भी फेल है, तुम ना होने दो उस ब्याह को। नहीं मान रहा है, ऐसे आ जाएगी बहू। लेना एक ना देना तो ये बहू वाला बन के बैठा है। ब्याह के नाम की आई होगी ये मोटरसाइकिल भी। इससे बहू आओगी कभी नु सोच रहे थारे भरपट होने के नाम क्या आ गया यार। अरे कोई सा इसकी डब्बू लखा मत जाइयो, समझ गए? लैटरिन बाथरूम के भी ताले लगाओ बैठे हैं। पहली तनखा तू लैटरिन बाथरूम बनवाने हैं और नलगड़वाना। मको काय में लग गई इसकी नौकरी, यू तड़की तड़क लैटरिन बनवा रहा, बाथरूम बनवा रहा, नलगड़वा रहा है, यू नहावेगा फारे में? मेरे सामने तो इसका जिक्र करे ना करे। जिस दिन ते तेरे भाई के सामने आकर आना यू, मुझे अच्छा ना लगता। मैं तो इसकी शक्ल देख के भी राजी ना हूँ। हाँ पहलवान, लक्की बोल रहा हूँ। अरे लक्की, तेरे कागज लेकर करमवीर ऑफिस पहुँच लिया है, इतना ऑफिस के काम निपटाऊगा। और तू एक काम करिए, उंगे से आती फिर 2-4 किलो लड्डू पेड़े या कुछ भी रहिए, गांव में बांट निकलियो, गांव वालों की आँख खुलन दे। तू सही कह रहा, मैं लेता हूँ। अरे पहला दिन है यार, तू चलता मेरी गैल। अरे डोलची भेजू या तू आ जा।
और हम स्कूल पे मिलेंगे और छत्ती के बटन खोल के आइए और घबराइए मत, अब तू खुल के नौकरी कर। अरे बस आली तैयार हो के? चल ठीक है आ जा। पहलवान भाई, नौकरी तो इसकी बहुत ही बढ़िया जगह लगवा दी, प्रयोग कर ले तो। बेटे यू तो दरोगा की शर्म है, नहीं तो आजकल बगैर रिश्वत के कोई काम ना होता। पजामे यहाँ तो चोखा जी लग रहा, तू मुझे भी यहीं फंसवा दे। आ लिया भाई। आ गया भाई, तब तो भगत के आगे दिखो। यहाँ करमबीर से बातचीत हुई ना? अरे वो जरा भीतर गया चेक करन, तेरे कागज भीतर जा लिए। किसी और से भी बात कर लेते। अरे बात किससे करनी है, होल सोल भैया तुझे कोई टच नहीं कर सकता। अच्छा। अरे भैया। हाँ जी। मेरे करमबीर को बुलवा दिए। ठीक है भैया। हाँ भाई करमबीर क्या हाल है? बस बढ़िया। और भाई पहलवान क्या हाल है? बढ़िया। यही है वो लड़का जिसकी ज्वाइनिंग करानी है? हाँ भाई करमबीर यही है, भाग दौड़ में सब फिट है, बस एक बार ज्वाइनिंग करवा दे। ठीक है आ जाओ। चलूँ मैं? आप अंदर चलो मैं आ रहा हूँ। जी। अच्छा भाई बाय बाय। करमबीर अपना ही दोस्त है। अच्छा। पूरा ध्यान रखना भाई का। ठीक है। अच्छा करमबीर राम राम। राम राम। करवा दिया काम? चल यार हो गया इसका भी काम। आओ। क्या बात है? ड्यूटी ड्यूटी ढाड़ा कर ले। और कैसे करूं ड्यूटी, कर तो रहा हूँ। वहाँ गेट पे खड़ा होकर ड्यूटी कर ले ढंग से। तू भी बैठ जा। ना मैं बैठूं ना बैठने दूं, खड़ा हो चल। पता ना कैसा आदमी है आया बड़ा, ये सिखाएगा ड्यूटी। चुपचाप खड़ा हो जाए आराम से। बेटे बहुत लेट आ रहे हो, अगर पढ़ना है तो टाइम ताना चालू करो वरना स्कूल में नहीं पढ़ने दूंगा। चलो गेट खोलो। गेट मत खोल ले। मैडम है। मैडम है तो लेट आओगी फिर। अरे जल्दी खोलो ना, आप खोल दो। मैडम जितनी जल्दी तू यहाँ कर रही है ना उतनी जल्दी घर तो चले कर। अब तुम बताओगे मुझे किस टाइम पे आना है? पढ़ाना है तो टाइम तो आना पड़ेगा ना, मैं गेट ना खोलने का हूँ। खोल दे रहे, आना है ना तो टाइम पे आया करो और ना गेट ना खुलने का। आई चले गए मैडम, चल रहा गेट बंद कर। और मेरे तो बिना पूछा गेट बंद ना खोल लेकर। आई मैडम। इसकी बाइक जो गिराई थी उसका बदला ले रहा है। ओए गेट मत खोल ले। अरे भाई मालिक है गेट तो खोलना पड़ेगा। अरे चाहे कोई भी हो टाइम तो आना चाहिए, गेट मत खोल ले। गेट खोलो। गेट ना खुला ही हो, कल टाइम ताना तो गेट खुलेगा। सर जी ठीक है मैं कल टाइम से आऊंगा। ना ना ना
तड़का टाइम तो आओगे तो गेट खुलेगा। ठीक है। आज आग लगा दूंगी इसकी मोटरसाइकिल में। मेरी ओर नहीं मिली इसे अपना हवाई जहाज पहुंचने को। भीतर बैठ रहा, बाहर निकल के देख लो क्या आग लगा के गया मेरी ओर नहीं में। क्या होगा, क्यों भबक रही है? खुद देख लो। इतनी बढ़िया ओन्नी का नाश कर दिया। एक तो न्यारे करके बैठा दिया, दिया कुछ है नहीं। जो मारा था उसे भी ना छोड़ रहा, सारा अड़ंगा बेच दिया। अरे क्या बक बक कर रहे हो तुम दोनों, खसम लुगाई। अपना बेचा थारा कुछ ना बेचा। क्यों कह रही है, क्या कर गया? देखिए 250 रुपए की लाई थी, या तो इस घर में रहेगा या हम रहेंगे। यही कौन सा कम है? ये जो करवा रहे हैं यही करवा रहे हैं, ये कौन सा घाट है? इसे देख लो, यू आगे बेमतलब मुंड मारने की नहीं हो। बेमतलब क्यों? आज इनकी गैल हो रहा, कल हमारी गैल होगा। और आज उसकी रेल में यहाँ खड़ी ना हो तू, ठीक है? काम तो तुम्हें कुछ है ना, सारे दिन इन लुगाइयों के धोरे पड़े रहो। और जैसे तिरिया क्या है ना, वैसे ही करो। और तेरी माने हम, जो तू कर रही है ना हमारे और हमारे रिश्तेदार के साथ, सब पता है हमें। ऐसे सास ससुर तो भगवान किसी को ना दे, मैं तो इनकी देहली पे भी ना चढ़ू, सारा माल अपने आप ही लेके बैठ गए। इतनी बात तो जब है, हम इन्हें कुछ कहते ना इनकी शर्म के मारे, पर इनके ना रही लिहाज। अन्ना इन्हें यू शर्म कि गांव वाले के कहेंगे, अन्ना इस गांव में कोई ऐसा माना जो इन्हें कुछ कहते। ओ शर्मदार, घनी शर्मदार हो तुम, मेरे से जुड़वाओ दो हाथ, माता हो मुझे माफ कर दो। तुम ना कर दिया मेरा जन्म दुखी। ओ पजम में कैसा नाड़ा घाल रहा? अरे फोन मिला दीवान जी को, कहां लो आ लिया? अरे आ जाएगा, तू ज्यादा डंडा मत दिया कर। अरे एक काम कर, एक बीड़ी भांग की भरसी का बना ले। अरे लक्की, एक रेशम का नाड़ा लिटाइए भाई। रेशम का नाड़ा मंगा रहा? देख कैसा हार्ड कट गए। अरे इसके खतर कुछ बादाम सदाम मंगा ले। साढ़े बादाम मंगा ले? बादाम खा लिया इन्हें तो डब्बा ठायो घूमेगा यू। इसके लिए खांसी की दवा मंगा, बीड़ी पी बार खांसी आयु। अरे बकवास तो करो ना, तुम गिन भी रहे मैंने कितने दंड मार दिए। अरे भाई सांस चढ़ा जरा, एक बीड़ी मेरी बना दे। देख यू आ लिया। पहलवान जी राम राम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ दीवान जी आ जाओ। अरे डोलची जा सर के लिए हुद्दी में से एक डब्बा पानी भर के ला। अरे पहले कुछ पूछने तो दे, वहाँ के हुआ या आते इसके अलग में पानी चढ़ा दू। अरे सर को बैठने तो दे। चुप, साले दोनों लड़ते रहे, साले दोनों को ठोक दूंगा तुम्हें। चुप भाई। लक्की तू एक बात बता, वहाँ करमवीर का के हिसाब किताब है? भाई पहलवान करमवीर नू कह लगा, तू गेट को देख ले, बाकी मैं देख लूंगा। हाँ। करमवीर ने तो पूरी हमदर्दी दिखाई। पहलवान अब 10 दिन में ना मुझे सब जान जाओगे, और कईयों करा तो आज ही बैठा दिया। अरे काम मन लगाया का करिए। अब नौकरी में नाम कमाना है, उन कईयों में मालिक भी था, मैंने भीतर ना बढ़ दिया, लेट आया था। अब यार तू घड़ा तो बोल लेना, अब तड़के ही तो हम तुझे वहाँ छोड़ कर आए। अरे साल तो हो लेन दे, एक महीना तो कुछ दंदे, तू तो पहले ही बदल लिया। अरे मैं बदला ना हूँ यार, मैं सफल हो गया, आज चारों माई मेरे नाम का जिक्र चल रहा है। पर तुम नू बताओ उस रिश्ते वाली बात तक क्या रहा? फर्क तो मैं दे आया, उन्होंने मेरी खूब सेवा करी। अरे जाते ही चाय पराठे आ गए, और उनका घेर बहुत बड़ा। और सुन ब्याह का टेंट उसी घेर में लगेगा। हाँ बावड़ी पूंछ भुंडी शकल के टोपे, तुम्हारा लोहड़िया देखने गया, उनका घेर देखने गया। अरे मैं सारी बात नेडी करता आ रहा हूँ, तू अभी बालक है, तेरी समझ में ना आवे। अरे ये करते हो तो कर लेंगे, और नाप तो एक तरह से टकराऊगा। अबे तू घना तो बोल लेना यार, इस महीने तो तुझे तनख्वाह भी ना मिलने की। अबे वो करते होंगे तो कर लेंगे, क्यों पहलवान? अरे ठीक कह रहा हूँ, फर्क देख के तो छोरी अपने आप ही ब्याह के यहाँ कर लेगी। और सुन मेरी बाई आंख फड़क रही, रिश्ता तो वहीं होकर रहना आयु। आज के बात हुई बेटी, छुट्टी लेट हुई के आन में वार होगी,
अरे माँ वो स्कूल वालों ने दिमाग खराब कर रखा है, हफ्ते में 4 स्टे बैक लगा दिए। वो के हो? अरे वो ना स्कूल से 1 घंटे लेट आना ही आना, पेंडिंग वर्क हो या ना हो। स्कूल वाले तो ऐसे ही करे हैं, मास्टरों को तो ऐसे ही करना पड़ा है बेटी। अरे माँ मास्टर जो करे वो तो ठीक है, एक गार्ड है वो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। अच्छा हाँ, आज सुबह 5 मिनट लेट क्या गई स्कूल, उसने गेट ही बंद कर दिया, अंदर ही नहीं जाने दिया। उसने जो भी करा ठीक करा। अरे माँ उसका काम ही क्या है, गेट को खोलना और बंद करना, वो अपने आप को मालिक ही समझ रहा है। वो अपना काम सही कर रहा है। अच्छा अब वो सुधारेगा स्कूल को, किसी ना किसी दिन उसको कोई ठीक कर देगा, वहाँ रोजाना हर रोज झगड़े होते रहते हैं। चल छोड़, देख दीपक भी आ गया। दीपक ले आया सामान? हाँ जी ले आया। जा बेटा तू भी कुछ खा पी ले, जब तक तेरे ट्यूशन वाले बालक भी आ जाएंगे। ठीक है माँ। अरे आजा लक्की, मैं तेरा ब्याह तय कर दिया। तब राम राम। राम राम। तू 4 दिन तक पता ना कहाँ अंडे, मैं तजे ढूंढता अंड रहा। तब काम तो बता। अरे काम वही एक काम हैगा, तजे फोटो दिखामा सत्येंद्र की साड़ी का, तो दस रेल ते तड़ उतर के यहाँ आ जा। हाँ तब ला दिखा। अरे दिखामा, इस कुतिया सी को तो कर दे खड़ी, इसके पकड़ रहा कान से, पता ना के फटका, यहाँ आ तू मेरे धुरे। ठीक आ जा। आजा लक्की दिखामा तजाज फोटो। कैसी है ताऊ? कैसी बता रहा, देख तू यहाँ पलट जगह इतनी कुडाली। अच्छा और के? और भाई लक्की क्या हाल है? बढ़िया भाई सतेंद्र। अच्छा बापू मैं जाऊँ खेत में, तू खाद कट लेता ये। अरे मेरा नहीं लगे मौका, यू यू लक्की टेक ये बगा। अरे ऐसे अपना काम कर ले। अरे इसका कुछ काम ना है, तू इसे थुआ दे, यू पूछा का वे 10 मिनट में। अरे ठीक कह रहा ताऊ, काम बुक जोड़ू फेरेगा, मैं धरवाए। हाँ हाँ चलो तो ठीक है, इसे उठा ले भाई। वाह बालक हो तो लक्की जैसा, ना तो होता ही मर जा, लक्की बहुत कम है रहा तू। ओए सतेंद्र यू कट्टा भी धरवा दे, चल टिकवा दे। धर दे। लक्की बेटा बिखरवाता ही है इस बीज को, इस पता सा यावे जावे। ठीक है ताऊ। स्टैंड हटा दिए भाई। ठीक है तब। हाँ इस पता सही आवे बखेरना बुखूरना। ठीक है। अरे आराम तो जाइए, कदे से राम ही पूछ दे। अच्छा बापू मैं भी चलूँ फिर खेत में? अरे चले जाइए, और कुछ सुन ले मेरी एक बात। अच्छा है वो खाल से भी खुरचवा लिए इस पे। यो क्यों खुरचेगा खाल? अरे तो सारे काम करेगा जो तू करवाने सोचेगा। चिंता ना मन, यू तो ऐसी जगह तक पकड़ रखा, तू जो कुछ कहेगा यू वही करवावेगा। तू नहीं आवे खेत में? मेरा कहां मौका लगेगा खेत में आने का, वो भेज तो दिया, और क्या चाह तू। ठीक है तो मैं चलूं। चले जा, सारा करवा लिए काम। ठीक है जा। ले भाई खाद तो लग गया। सतेंद्र पता ना कहाँ रह गया, पता ना कहाँ मरा है, बोल रहा हूँ कट्टा ठाके। अरे दूसरा कट्टा कहाँ? एक तो मन्ना बखेर भी गया यार, तू कहाँ रह गया था? अरे मैं बुग्गी लेकर आया यार। अच्छा
एक तो मना बखेर भी दिया वो पड़ा खाड़ में। चल तो इसे बखेर दे फिर। हाँ हाँ इसे भी बखेरेंगे अभी। अरे ना ना ना, पहले बुग्गी भरवा दे वो। चल चल तो ठीक है चल। अरे है के साहब सिंह, आज भी नहीं दिखता कोई सा। सोनू आजा था वो आजा। अरे के आजा मेरे यार सोनू, ना तो थरे में तो कोई सा भाई मिलता, ना वो थारा बापू कदी मिलता। सारा दिन ताश पिट्टे, पता नहीं के करता रहे वहाँ चुपाइड में। खेलन दो उन्हें ताश, दमाओ बैठो। आ नुंगे ही बैठेंगे। मैं ना जाए करता उनकी डबिया, मेरे डबाओ। चल तेरी डब बैठ लेंगे। आ जाता हूँ बैठ। के बात न्यारे हो गया के? अरे ताऊ के न्यारे क्या साजे, हंगामारे पड़े हैं। अरे हंगामारी तो यू सारी का मुंह दिखावे, चुपाइड में रोड़े तारी रहे सारा दिन। इसका गुल्ला पीटना, इसकी बेगम पीटली, पता ना के सारा मोहल्ला तंग कर रख। ताऊ तुम सही कह रहे हो, मारी तो बिल्कुल नहीं सुनता, ना रिश्तेदारों भी सुनता। ब्याह की बात अड़ा रखी है। अरे ब्याह की भी कोई ऐसी बात है कि ब्याह जी भोवगा हो जाएगा, इतने तमे तो एक डब करे। हमने खूब कह ली ना हमारी धरती बांटना। अरे धरती भी बांटेगा, मैं कमवा उसे, पहले भी कहा था फिर कमवा। पता ना के सोच रहा, बाड़गू को करी ना रहा न्यारे। हमारे आगे तो तुम भी कहो, पर उसके आगे कोई ना कहता। अरे मैं कह लिया फिर कमवा, नहीं सुनागा दो मान सुबह और को अम्मा। जीप घर बांट दिए, धरती क्यों नहीं बांटेगा? ये अभी कोई बात हुई न्यारे? अगर ढंग तो अगर है कमवा मैं उसे। चलो ठीक है, मेरी तरफ चाय पी। चाय तो मेरी तरफ बन ली। मोनू बेटा तेरी डब फेर पीमा, आज सोनू की डब होने दे। ठीक है हाँ। आ जाता हूँ बैठ जा। बीड़ी लगाऊं? बीड़ी तो लग जाएगी, तूनू बता घेर कौन से पाया? घेर का ना बंटवारा हुआ। फिर बंटवारा ही कहीं का कर रहा? कुछ भी ना, एक कोरिडी उसे दे दी, एक मुझे दे दी, एक अपना आप ले ली, एक मोनू को दे दी। यू कुछ थरी समझ में आ रहा नारा होना? ताऊ मारी समझ में ना आ रहा, हम बहुत ज्यादा परेशान है, कुछ भी करके तुम्हारी धरती बंटवा। अरे भुत्तू मैं नुई तो कह रहा, घर घेर धरती यही तो चीज बंटन की हो, यही तुम बंटवा नहीं रहे। और इस बगड़ में थारे यहाँ आपस में जूती ना बजेंगे। ये छोटी छोटी कोठड़ी सी तुम्हें पकड़ा दी उसने, मैं नू कहूँ थोड़ी सी कमर करड़ी करो। ताऊ मारी बिल्कुल नहीं मानता हूँ, अगर तेरी मान जाना तो किसी तरह मनवा दे उसे, और ले बीड़ी पी और मैं चाय मंगवा दूँ। चल मैं करूँ मैं जुगाड़। रूपा? हाँ जी। चाय ले आइए। ला रही हूँ। यही तो राड है के? किसी भी सामान का ढंग में बंटवारा नहीं करा। नु तो धुरलो थारा जूती बजेगा यहाँ से। जूती तो बजन लाग रहा ताऊ, और इनसे कुछ कहो तो सुनते ही ना है। सुनता क्यों ना रहे तू? तब मेरी सुन लो फिर। यू ना कुछ कहता तू तो कह सके, तू कौन सा मोल की लानी? अरे ओ जो कुछ क्या कहते सुनता क्यों ना? न्यारे होने का मतलब यू ना होता, जुकर उसने कह दिया तम हो गए बैठ गए। न्यारे होने का मतलब वो एक का कील बटे। अपने बापू को बुला ले, भाई को बुला ले, गांव में ना सुनता यू किसी की भी, और वे कहेंगे जी भी यू कर सके ना, यू बिल्कुल नहीं करे। और तज एक बात बताऊं, वो तो तू बतेरा बोल रहा है, ईब तू कुछ कह नहीं रहा उसे, सारी जिंदगी परेशान रहेगा। न्यारे होने का जो सही तरीका अपना लेगा तो हो जाएगा ढंग तैर, ना दुखी रहेगा तू। और यहाँ पड़िए नटू की डाल, यहाँ रुक जाइयो बिरान, घेर छांट ले घेर। के समझाऊं मैं, जो दहेज में माल मिला था ना उसे भी धर के बैठ गए। छोटे के भरन लग रहे हैं, ब्याह उसका होता नहीं, उसके भर रहे हैं, ब्याह की होड़ लगाने भी ना मतलब। छोटे का तो भरेंगे मैं, और तू क्यों ना बताती के ले थी तू? तजे तो पता होगा कि नहीं पता। मत पूछो बस। घेर कुछ नहीं, तमें नहीं पता कहीं का बैठ। चाय पी लो, गुस्सा मत हो। लिया ले बस चलूं, मजे तो लगता नहीं मेरे आएगा कुछ फायदा। कहां चलाता हूं, बैठ तो जा। अरे के बैठ जा, तुमने बैठने का ढंग ही नहीं छोड़ रखा, यहाँ भीत भात कुछ काटो जी भी तो बैठने का ढंग हो। बैठ जा। सुन ली आए कुछ समझ, मेरी तो जिंदगी खराब कर दी। अरे भाई मास्टर है के? चाचा राम राम। राम राम भाई, राम राम। अरे भाई बिल्कुल भूल गया दिखे। अरे चाचा था मैं कैसे भूल जाऊंगा, नू बताओ। अरे वाह भाई वाह, मास्टर बन गया, मोटरसाइकिल ले ली, अड्डा पानी को तो कुछ पूछा ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे जा। परसों मैंने तेरी बहुत बार देखी। क्यों, के बात होगी थी? क्यों के, छोरा देखने वाले आ रहे थे, मैंने तेरी हाँ भर ली। तुम जो पहले बता रहे थे उसका के रहा, वे भी तो बेहू तैयार थे। अरे वाह ना, अरी मेरी समझ में, इसको देखेंगे यह घनी बढ़िया है। नुई तो तम कहो, नुई ताऊ बलजीत कहवे।
एक साल होगा फोटो दिखाते दिखाते, ब्याह वाले मामले में तुम दोनों ढीले पड़ जाओ। ब्याह तुम जब करवाए, जब मैं किसी काम का न रहने का हूँ। उसके चक्कर मना रही है, घनी गोली दे वो। अरे घना रात आदमी तेरा राह बंधवा देगा। राह तो मेरा बंध लिया, पर थारा पता नहीं तुम क्यों कर मेरा पीछा छोड़ दोगे। कुछ ले दे के मेरा पीछा छोड़ दो। पीछा तो तेरा हम ब्याह करवा के छोड़ देंगे। चाचा तो नौकरी भी लग गई, अब की कसर रहेगी? कसर रहेगी है इमनू बता मास्टर, शांत को तू किस वक्त आ लेगा? चाचा स्कूल की छुट्टी तो 4:30 बजे हुआ है, पर मुझे कुछ और काम भी है। तू तो ड्यूटी जागा, बस एक काम कर दिए, एक इंग्लिश की बोतल सी पकड़ता लाइए। वह सब पड़ गई जो 2-3 दिन पहले पकड़ाई थी। वह सारी की सारी को तो भीमा घटक गया। अब तू लेता ही है, थोड़ा सा सोडा बचा उसी में मिला के ले लूंगा, हो जाएगा मुंह थोड़ा कड़वा सा। मास्टर एक दावत तो तेरी मास्टरी की भी बाकी है। अरे चाचा क्यों दिक्कत मान रहा, तेरा मुंह मीठा करवा दूंगा। अरे मीठा क्या, मेरे पे झिल रहा, तू थोड़ा चरचरा सा ले आई है। बताओ के लाऊं? जब तू ज्यादा ही कह रहा तो नमकीन ले आई है हींग चने वाली, और दाल भी लेता आई है, और हाँ पनीर के पकौड़े मिल जाए तो वो भी ले आई हो। मुर्गा खाने को भी जी कर रहा, पर तो छोड़ तू तरी तरी सी लेता आई हो। चल ठीक है चाचा। और एक बात बताऊं, छोरी का सैन सिक्का बहुत ही गजब का है। चल ठीक है चाचा, मैं सारा सामान ले आऊंगा। ठीक। और सुन, हाँ कल को फोटो भी आ जाएगा। लो चाय ले लो। लो चाय, कैसे मुंह लटकाए बैठे हो? अरे मुंह ना लटकाऊं तो के बात करूं, यू ही तो कमाने का बखत था, और ये न्यारे होने की बात करें, इन्हें कोई काम धंधा हिला तो कुछ रहा ना है। कोई बात ना, दुनिया न्यारे होवे, तम ना हुए थे न्यारे? अरे हम भी न्यारे हुए थे, पर टाइम पे हुए थे। मारे बाप ने जुकर कर दिया था वो मान लिया था, हम लड़ते ना फिरे थे। और इन्हें देख ले, कोई अपने सुसरे को उठाओ फिरे, और कोई सा अपने साले को उठाओ फिरे। ये बहू हो रही है दादी, इनका ना है शरम। हमने भी कदी अपनी दौरानी जिठानी की बात बताई है कदी यहाँ की? ये तो सारे दिन फोन पर लगी रहे, हगने की, मूतने की, खाने की, पीने की सारी बात बतावे वहाँ। अरे सारा जुत तो यही है, और ये सुसरे भी सुनते ही गैल आ रहे हैं ये। अरे सोनू तो पता ना अपने साले को के पटवारी मान रहा, उसे ठाए चला आवे है यक्कु। अरे मोनू ही क्या कम है, यू भी अपने सुसरे को पता नहीं के मान रहा, उस तबक थुल्ले को उठाऊ यू भी ले आवे है यहीं सी। और इन्हें भी शर्म ना बिल्कुल, अपनी लोंडियाओं के घर का नाश करवाने लग रही है ये। मोनू और मोनू की बहू तो फिर भी ठीक है, और ये सोनू और सोनू की बहू तो बिल्कुल भी धरती पे पाँव ना धर रहे। कल वो पी तो आ गई थी हमारे गांव वाले, उसके आगे ऐसे बड्डे मार रही है, बस मैं तो बोल ली नाती। ठीक करा नहीं बोली, पर मारी जिम्मेदारी तो इस लक्की की, इसका भी ब्याह हो जाना, सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे हम भी। रिश्ता तो भगवान ने चाही हो ही जाओगा, उसका तो बढ़िया काम चल रहा, तड़की तड़क तो चला ही जा अपने हिले पे। पर ये दोनों खाकड़ घर में से नहीं निकलते, इन लुगाइयों के धोरे से ये मजनू हो रहे हैं दोनों। बात तो तू ठीक कह रही है, अगर यू जमा रहा ना ब्याह तो हो जाएगा। वो तो अपने काम पे जमा पड़ा, पर ये दोनों भैया फूकते रहे उसे देख के, और मोटरसाइकिल देख के तो इनके घनी आग लग जा। अरे जलन दे उन्हें। ये मोनू सोनू है ना, ये हर वक्त उसे कुत्ते बिल्ली की तरह घेर घेर के कह जा, पर माँ हूँ ना मैं, कर लू बर्दाश्त के करूँ। तुम चाय पी लो, मुझे झाड़ू भी लगानी, मुझे बर्तन भी मांजने, मैं चलू। अरे मांज लिए बैठी रहे। अरे लक्की, अरे रुकिए। राम राम ताऊ। राम राम। जल्दी बताओ मैं लेट हो रहा हूँ, स्कूल जाना है। एक बाल्टी से भर दे, कुछ ना लेट हो जा। चल भर दे, मैं नहा लूंगा। लेता हूँ, बाल्टी तो भर गई। ठीक है सुन, एक मिनट पूरे गुआ। अरे मैं लेट हो जाऊंगा। अरे तू कमर पे एक हाथ सा मार दे, कुछ लेट ना होने का, स्कूल में ना ऐसी कुछ बात है। आजा आजा, तुझे फोटो भी दिखाना आज मजा है। अच्छा फोटो? माड़ा सा कमर पे को करड़ा सा हाथ सा मार दे। लाता हूँ। ए ले, करड़ा सा मार दे हाथ सा। वाह बालक हो तो लक्की की डाल का, असा बालक मेरी निगाह में तो कोई आया नहीं इतना बढ़िया। और बस ब्याह भी तेरा हो ही जाएगा, बिजा बस आजा।
चल रहा हूँ ताऊ मैं। अरे फोटो देख के जाइए, मेरा कुर्ता ले ठाक है। कहाँ है? देखियो तेरा कुर्ता, बैठ जा। इसमें ना है जेब भी? हैं? कौन सा आ गया? दिखे वो टंग रहा, वो ले ठाक है। जाइए, फोटो तो आज तुझे दिखाना ही है। अरे मिलिया ना आके उपरली जेब में देख, ऊपर लिम्पा वगा धर तो बहुत सिंगवा के रखा था। कैसी लगी? सुथरी है। हाँ बस हो गया काम। तो इस फोटो को ले जाऊं के? अरे सांझ को ले जाइए, तेरे ही नाम का दरा क्या आयु, मैं जड़वा दू मैं से। चल तो मैं लेट हो रहा हूँ। और सुन, स्कूल जाना मुझे। एक काम करिए, सांझ को आवेगा ना स्कूल में, थोड़ा सा उसके सतेंद्र दौरे हाथ सा गलवाता ही है। ठीक है, मान्यता हूँ, सारा काम निमटवा दूँ मैं। सारा करवा दे, बस तेरा भी काम हुआ दरिया। मैं चल रहा हूँ। और हाँ एक काम करिए, सांझ को आवेगा एक पकड़ते जाइए। ठीक है ताऊ। फोटो दे दू से बलजीत को, बेकूफी मैं इंद्रिया, सारा खेल तो फोटो ती खेल लिया जाएगा। फोटो तो जान है मेरी, एटीएम दे दो इसे। अरे यू फोटो तो जान है मेरी, कमाई का जरिया खोज दू। सपनों की गिलहरी दे गई आज दिखाई खेता में। मेरे सपनों की गिलहरी दे गई आज दिखाई खेता में। बाल बिखेरे न्यू हांडे जानो धूप खिली हो रे सपनों की गिलहरी दे गई आज दिखाई खेता में। देखते ही नू लागे जानो दिल अपना में हार कदे ना देखा जिक्र सुना था पाता में। मेरे सपनों की गिलहरी दे गई आज दिखाई खेता में। लहरी दे गई आज दिखाई खेता में। सुंदर सान सलोनी सीवा घायल कर जिगर ने रे, अब चाहे दुनिया रूठे उसे ब्याह के लिए
ले भाई यहाँ एक भी नहीं मटकी लक्की, बस यही है लजरी थी कल। इब मैं से कलेसर पे गिर आऊँ, फिर मुझे कल ब्याह में भी जाना। अरे किसके ब्याह में जावे? अरे मेरी साली का ब्याह है। क्या साली तेरे? एक ही साली मेरे तो। एक साली? और तेरे बापू ने दो साल तो मेरा पागल होना रखा, फोटो दिखा के नुकरा तेरा ब्याह करवाऊंगा। किन्ने कही तुझे? यही तो डुबा दी मेरी यार, कोई बात हो ही करे। मेरा दो साल तक फोटो दिखा के पागल बना रखा, उस बलजीत को देख लूं आज। अच्छा लक्की तू भी फंसा रखा था, सारा काम नहीं उठवा दिया पर तन्ने। अरे देखे लक्की यहाँ कैसे घूम रहा। लक्की मैं बताऊँ भैया कैसा हो करे, दो साल तो दही तुड़वा गिर रखी है। लक्की ओ लक्की पागल बना रखा, एक नुकरा तेरे भाग तो गिर गई। अरे लक्की अरे रुकिए। अरे डोल जी भाग कब करिए इसे, इनने तो दे दी दिखा पूरे गांव में ब्याह की आग। मैं बालकों के नाम धरू बैठा हूँ, इसने अगले ने सारे नाश ही कर दिया, तो बड़ा बेकार आदमी है भाई। अरे रुक जा छो में क्यों आ रहा। अरे हट जा इस बलजीत का टाइम खराब है आज। अरे एक काम कर, एक ढोल गले में घाल ले और सारे गांव में पीट दे के मेरा ब्याह और न्यू और कहिए पजम मेहर करवा रहे, सारी बात बता दिए। अरे मास्टर जी तेरे में नहीं पाई अकल बिल्कुल भी। कल हमारे घर में कहते होया था कि इस ब्याह का पता किसी को कानो कान नहीं चलना चाहिए, और ब्याह होए पाछा पता चल जाए भले ही, पर तन्ने पूरे गांव में यार। के मैटर बलजीत का, हमें बता हम जावेंगे पर तुझे नहीं जान दे। इतने ये ब्याह हो इतने अपने घरों बैठ जा, अच्छी नौकरी लग गई, ब्याह की बात चल रही है और यू साहब लड़ता हंडे। अरे अपने घरों बैठ जा, ताऊ बलजीत को अपना काम करने दे। अरे चलो यार घर को अपने, नहीं तो पूरे गांव में बम फट जाएगा। अरे बम ही तो पाड़ना, अब ब्याह तो हो हुआ लिया, इस गांव का रहा बैठा लो अब। अरे गांव का ही तो रहा बैठा रहे हैं, सेड़ा करके खा ले सेड़ा। चलो चलो यार पागल बना रखा, मैं देखो इसे पागल ही मान रहा सबको। मैं पियाऊंगा तेरे हुक्का, दो साल हो गए मैं भरवाऊंगा तेरे हुक्के, मैं भरवाऊंगा तेरी बुग्गी। पागल बना रखा, दो साल हो गए नहीं तुड़वा गिर रखी है, पूरे कैरियर का नाश कर दिया, घेर आग किसी को निकट नहीं देता, बैठने से पहले फोटू फोटू कहां फोटू। पागल मान रहा पूरे गांव का चूतिया बना रखा। सुन जा के बात होगी, कहां है फोटू, कहां है फोटू, हो गया डिलीट, फोटू का तोड़ा ना मानना है, फोटू बतेरे कैसा होगा डिलीट। अरे मैं तो सेव कर रखा था, उसके बप्पू ने कर दिया बैठ। फोटू और बतेरे तू टेंशन ना ले, इतने मैं हूँ, इतने चिंता न मानने ब्याह होगा। कैसे करवा देगा भैया, जिसने ब्याह करवाया तो उसका तो कल बारात आने वाली है, ब्याह करवा दूंगा। अरे आन दे बारात, वो ससुरा नाइटिया मजे, पहले तो पाँव पकड़े तक ब्याह ले ले। मैं सारी यहाँ भरा की थी, नुई में ब्याह में नहीं गया, आ गया ससुरे का पड़ूमा बेबी का उसके गिर के। तू चिंता न मानने ब्याह होगा, यंत्र तो नहीं होगा, कहीं और रहते होगा हो वाली ब्याह तो। अरे मर नहीं गया मैं, कहीं और ताल लगामा, और कोई तेरी सीमेंट मारी हो तू बता दे, तेरी गैल चल लू माँ। ब्याह ना करवाना पहली मना कर देता, दो साल दही तुड़वा लग रहा। क्यों मना कर देता, घने पतंगे ना फेंके, तेरी वजह से तेरे बप्पू को सिम जा गया, तेरे न्यारे उनका ढंग बैठवाया और तेरे भाइयों को धमका गया तेरी मारी, तू कह अखनू ना रख रहे तो तू बना रहा पागल। अरे सुन जा ओक्का भरूमा सुन जा, मनुष्य कल दिखा मत दे मुझे। एक मुर्गा तल भाई यू भी लिख गया आत्मा। हाँ भाई यू के कर रहा तू, तुम्हें दिख ना रहा मैं क्या कर रहा हूँ। अरे खान पाड़न को क्यों आन लग रहा, मैंने पूछू था तेरी नौकरी कैसी चल रही है। देख लो अपनी आँखों ते, सारे के सारे एक हो रहे, आ लिया बुड्ढा कुछ कहन लग रहा। तू सही कह रही है। सही तो कह रही हूँ, पर तुम सुनो कहाँ हो मेरी। अरे मैं तेरी सुनू हूँ और सुनू किसकी हूँ। अगर मेरी सुनो ना तो उस ढेर को बदल लो, अट्ठा के इन ढोबरों को बाहर फेंक दो और कह दो मैं न रखता। की करोगे तुम, थारे बस की न्यारा होना भी ना है। मोनू वो चीज है, एक मिनट में खेल पखेड़ा कर देगा। कद करोगे, ज्यादा मत बोलो, जब ढेरी लगी जब तो तुम भैयो वाले हो गए, और मैं अपने घर से कितना माल लाई के मिला हमें। और मान जा ना मैं एक एक कड़ी बटवा दूंगा ना तो। बटवा दोगे कद बटवा दोगे, मैंने थार से कही थी और थारा ताऊ बलजीत भी कह के गया था, यो काम ढंग से कर लो, न्यारे रोज रोज ना होया करते हैं। अरे ले अब तुझे न्यारा होकर दिखाऊंगा। अरे तेरे से कुछ पूछा था लाट साहब। के मतलब है तुम्हें मेरी नौकरी तय, वह कैसी चल रही हो चे। अरे मतलब क्यों ना है, तू हमारा ना है। अरे तेरी नौकरी तय, हम तो राजी हैं भाई,
मुझे पता कौन कितना राज्जी है। अरे तेरे से सब राज्जी हैं। बेटा रोटी बना रखी है मन्ने, चल तू खा ले, आ जा। मेरे पर जैसी बनेगी मैं बना के खा लूंगा, मुझे ना खान खाली रोटी। जब तो फेंक दे नहीं आ रहा, अब रोटी खा लो। भाई किसी ने ना फेंका, तुझे नहीं आ रहा, जब माँ तेरी कह रही रोटी खा ले। मुझे ना खान खाली रोटी बिल्कुल भी। अरे बेटा मैंने घी में बूरा मिला ये तेरे लाख, थोड़ी सी चल आ जा खा ले। धल्लो इन धोबड़े को भी दे दो इसे और हमें काट दो घर से। अरे चल मारा ना या कुछ भी, कुछ भी इन बुड्ढे बुड्ढी ने अपना हिस्सा चाहिए, सारा हिस्सा ले हुआ, सारा हिस्सा साहू बेलजी का बता देना, इस घर का नाश हो लेता नाश। अरे चल रही। अरे रुको मैं लाऊं ताऊ बलजीत को बुला के। तू क्यों बुला के लाएगा ताऊ बलजीत को, मैं बुला के लाऊंगा, मैंने कह रहा कि उनसे। अरे यू थारा नाश करवा देगा जिसे तुम अपना मान रहे हो, और यू भी उसके धोरे बैठे रहे सारे दिन। हाँ जो बड़ी आदमी हो ना सब नुई कहे, क्यों नाश करवा देगा। नाश तो तुम करवाओगे, नौ बीघे दोबारा की है, नब्बे बीघे बताओ, निन्यानवे बीघे है। अरे वो थारे जैसों को नुई पढ़ावे, वो इतना माड़ा है, जिसके नंबर पे निगाह टेक ले ना उसकी राह बिठा दे, समझ गया, अब उसकी निगाह में तुम्हारे हो, नाश होगा तारा। जिना कुछ पता न रहती है ना परवा पछवा की, वे ऐसे ही बावड़े दूसरे की बात मानने। हाँ दूसरे बता रही है, तुम्हें पता हमारा कितना प्यारा आदमी हो। हाँ हाँ बुला लो प्यारे को भी, मेरे भी प्यारा था, मेरे तो करवा दिया ना, थारा भी राह बिठा देगा। हाँ हाँ ये तो नुचावे कि हमारे की कोई बात न करे, तुम तो जाओ जी बुला के लाओ ने। अरे नाश पिटो तुम करोगे घर का नाश, जिसे बुलवाना चाहते हो ना उसे बुलवा लो, करो इस घर का सत्यानाश। चलो जी इनके नाराय लिया आज, इन्होंने कर दी बिल्कुल हद। मैं करूंगा अपने ससुरे को फोन, मैं देखूंगा ये कैसे करेंगे अपनी मनमानी। अरे उरैया तू क्या कर रहा, बुड्ढी शक्ल के भांग मल ले। आओ दीवान जी, आओ दीवान जी, आइए। दीवान जी तो आगे, तुम क्या कर रहे हो भाई। अरे करते क्या यार, वही ब्याह के बारे में सलाह मशवरा सा कर रहे हैं। ओ टोपे खड़ा हो जा, दीवान जी को बैठने दो। दीवान जी, दीवान जी बैठो। अरे होया कुछ फाइनल। फाइनल कुछ ना होया। अरे जब थार पर ना हो रहा फाइनल तो उस फरत उठा लो, कदी वो बुढ़ा उस पर लोन लान कटवा ले। वे उसे ब्याह करना होता तो कुछ तो बताता, वो थार पर खामा के चक्कर कटवा रहा। तू सही कह रहा लक्की, कदी इस काम को करवाया ना दे, वो तो बहुत बेकार आया यार बुढ़ा। अरे मैं नुई तो कह रहा हूँ, कदी बुढ़ा लोन कटवा के अपने दोनों छोरे को गाड़ी पकड़ा देवे और हम फिर प्रधानों की टक्कर मारते। ओ डोलची तू तड़के ही जाएगा ना, वो फरत उठा ला वहां से। भाई मैं बिल्कुल नहीं लाने का, तुम तो होते हुए ब्याह की राड मारने लग रहे। अरे राड ना मार रहे, वो ऐसा काम करता है आगे बालकों के ब्याह भी ना होने के। मैं सोनू मोनू का पूरा पाड़ूंगा, लोन पूरा पाड़ूंगा। तू चिंता मत कर, तू इसे अभी फोन कर के राज्य खुशी मारी फरत पकड़ा दे, ना तेर पे हम 420 का केस ठोक देंगे। अरे पहलवान तोड़ ले भी तेरा दिमाग, तेरे दिमाग में ऐसी बात आए कहां से जावे। अरे तुझे ना पता मैं कुछ दिन बदमाशों में बैठा हूँ। डोलची अपना फोन पकड़ा। के करेगा फोन का। अरे नंबर चाहिए उसका, नंबर दे मुझे। नंबर ना है मेरे पे। नंबर ना है तेरे पे, तुझसे कही थी ना उसका नंबर लेगा ये है, सारे गांव की औरतों का तो नंबर लेकर हंडा है तू। पर ना है तेरे पे, ला फोन ला उल्लू को। ले देख ले नंबर, मैं देखूं। इस पे ट्रंप का नंबर भी पाऊंगा, इस पे मोदी और अमित शाह का भी नंबर है। थोड़े पानी में ना आयु, ले यू मिल का नंबर। जा रही है घंटी, ठाऊगा फोन। हेलो भाई तेरा टाइम सोड़ा हो तो इसे राज्य किसी फरद को दे जा यहाँ। हाँ कौन बोल रहा तू? तेरे दामाद का दोस्त बोल रहा हूँ मैं। हो संभोल, तिथो तेरे का मैं ही तोड़ दूंगा। मैं वहीं आ रहा हूँ, गेर के तेरा चार लात ना पारी तो मेरा नाम नहीं, हम कटवाओगे तुझे फरद पर लोन। के बात होगी, तू अपने वाले का ब्याह कहीं और कर ले, मारे वाले का तो हो लिया। तू सवेरी 8 बजे तक मारी फरद मारे घरों पहुंचा दी ना, तन्ने जानी है। के कह रहा? अरे मुझे लग रहा मुझे लेनी पड़ेगी, आमे टामे दे रहा ससुरा, मुझे लग रहा लोन के चक्कर में आई हूँ और इसे मैं वहीं पिटूंगा ससुरे को। ए मैडम कुछ हमें भी पढ़ा दो, कुछ हमारा भी उद्धार हो जाएगा। मैडम आजकल क्या रेट चल रहे हैं तेरे? बदतमीज हो क्या तुम, क्या बोल रहे हो? अरे सुनो तो, थोड़ा टाइम हमारे लिए भी निकाल लेती।
रईस पंपों को बंद कर ले। ज्यादा टैटे मत ना करे, एक डब को मर ले, चल। मरे ना। अच्छा मैडम चलो। ओके ओ लपट गंजू, मुझे पता कौन है ये मैडम है। ये मैडम तो इस डाल बात करे करे, तू बकवाद कर रहा। अच्छा अब तू सिखाओगा हमें बोलने का तरीका। अरे तरीका तो मैं बता देता, मुझे ड्यूटी जाना, मैं लेट हो जाऊंगा, समझ गया? बुलाऊं पुलिस को, मिलाऊं 100 नंबर पे फोन। मैडम तुम रहने दो, तुम जाओ। करिए फोन 100 नंबर पे। अरे फोन तो मैं कर देता, मैं हो रहा हूँ लेट, समझ गया? आज तो लिकड़ गया साले, फंसेगा फिर किसी और दिन, मैं भी देखूंगा। चलो रे। मैडम जा जाओ तो मैं स्कूल में छोड़ दूँ। अरे नहीं, स्कूल आ ही गए, मैं चली जाऊंगी। और हाँ, ऐसे बदमाशों से मत उलझा करो। मैडम तुम बहुत बढ़िया हो, शुक्र मानो स्कूल के दौरे ही मिल गए। अगर ये दूर मिल जाते इनकी खाल तार लेता मैं। अरे नहीं नहीं। इसे करो बच्चों सब। हो गया मैम, होमवर्क चेक कर लो। बेटा कल करती हूँ मैं, आज मेरा सर बहुत दुख रहा है, आप बैठ। ठीक है मैडम। मैम ये वाला क्वेश्चन बताना। बेटा मैं कल समझा दूंगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके ओके मैम। कहाँ जाऊँ, गंगा को जाऊँ, तीन रास्ते हैं, डोल जी को फोन करूँ? हेलो। अरे डोल जी। हाँ भाई पहलवान। इस रिश्तेदार का नाम क्या है? दिलावर सिंह। ओहो, अरे ये नाम का ही दिलावर है, सच्चाई दिलावर है। नाम तो दिलावर सिंह है पर नु पता नहीं दिल कितना बड़ा। अरे चल छोड़, अभी पता लग जाएगा दिल का भी। ठीक है। हाँ ठीक है। अरे भाई रुकिए। हाँ भाई। यहाँ दिलावर का घर कौन सा? भाई दिलावर तो तीन है यहाँ, तुम्हें कौन से का जाना? अरे वो ढोलक सा कल संडा सा जो के काम है। अरे जो लोंडे वोंडे देखता फिर है। के काम है भाई उससे? अरे तू अपना काम कर, तू धार ले हमारी फर्द लियो बच्चा। तो पीछे को चला जा, ये बड़ा सा घेर उसी का ही है, आ जा। अच्छा है के दिलावर? हाँ हैगा, कौन है? कौन सा बता रहा? यू यू फरदकार कहाँ है? लोन कटवाने के चक्कर में होएगा? फरद? कौन सी फरद? कौन सी बता रहा? दो रैप के मारते पता लग जाएगा फरद कौन सी। ऐसी की तैसी पब्बे से। संजय मार दूँगा, फोड़ दूँगा, तुझे फोड़ दूँगा, तेरी सिर में लट्ठी मारूंगा, साले लट्ठी फोड़ दूँगा, तुझे नहीं छोड़ने का मैं। फरद फरद का लोन कटवा रहा।
उसमें भी लाठी दे दूंगा। हाँ और तू कौन है? ओ चमचे चमचे तू कौन है? या तेरी भी सोल बैठा दूंगा। पहलवानी मेरी है मन्ने, अपने देश का चैंपियन हूँ मैं, जब तुम्हें खींच के मार दूंगा खींच के, और तुम्हें दोनों को मार दूंगा। हम खून कर दूंगा तुझे, हम खून कर दूंगा, अपने यार की फर्द नहीं छोड़ू। आओ एक्सक्यूज मी, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? हाँ जी, के बात होगी? अरे वो गुंडे है ना, वो परेशान करते हैं मुझे। तो तड़की वाले दिखे हैं, इनसे पूछ लो ना के दर्द है इनके। अरे गुंडे हैं, बस आप मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ने को मना नहीं कर रहा, तुम जहाँ कहोगी वहीं छोड़ दूंगा, पर तुम इनका दो दो टेक दो। अरे नहीं, मैं इनसे बेमतलब दुश्मनाई नहीं लूंगी। तुम तो मैडम बिना बात डर रही हो इन गुंडों से। इन जैसे गुंडों की वजह से पता ना कितनी लड़कियों का स्कूल आना जाना चला, और तो घर से निकलना बंद हो जा। अरे ना ना, बस आप मुझे छोड़ दो। चलो ठीक है तो बैठो तुम। एक मिनट, अरे भैया रुक जा, वहीं आग लग रही है, रुक जा। हाँ भाई बता, क्या बात है? तेरे से भी बात कर लेंगे, पहले मैडम से तो बात करन दे। ओ मैडम, हम खड़े हैं घनी देर से, चलें क्या? कहाँ ले जा तू, उतरी मैडम एक बार। बस यहाँ तक ही ले जाता। अच्छा हाँ। अरे भाई रुक रुक रुक, अरे भाई अपने छेड़े को, अरे भाई अपने छेड़े को, रुक जा, अरे भाई क्यों मारा जा रहा तुझे, तेरी अम्मी की कसम, भाई भाई रुक जा, अरे रुक जा यार रुक जा, अरे तोड़ दी, अरे रुक 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 रुक, एक मिनट भाई, मेरी गलती मेरे बाप की गलती, आज के बाद छोरी ना छेड़ू भाई, भाई 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 जा रहा जा रहा। ये बनेंगे बदमाश। बैठो मैडम जी। अरे तो सपना जा रही दिख है। सपना ही है या भागेगी एक दो दिन में? कहाँ तो आ रही है इस टाइम? अरे यार ही पढ़ान जाग रहा है, पर यू कहीं पढ़ा पढ़ू ना रही, देख ले कैसे जा रही यार गेल हस्तुई। रुको 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 रुको, यहीं उतार दो। धन्यवाद। तुम डरे मत ना करो, जो कोई फालतू बोले सीधा मुंह पर हेफ्ट मार दे करो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता रहता है। ऐसी कोई बात ना है, आप दुखी मत हो, ये समाज के गंदे कीड़े हैं, इनकी वजह से लाखों करोड़ों लड़कियां घर से नहीं निकल पाती, कुछ कर नहीं पाती, पढ़ नहीं पाती। ये ऐसे कीड़े हैं कि इनके ऊपर आप पैर रख के आगे बढ़ो। ठीक है, थैंक यू जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है जी। अरे पहलवान, तू तो जाते ही पहचान लिया होगा। पहचान लिया होएगा? मेरे जाते ही नमकीन बिस्कुट काजू किशमिश हलवों का ढेर लगा दिया उन्होंने। भाई बहुत इज्जत करी उन्होंने मेरी, मुझे ही पता बस। हाँ पहलवान जी, राम राम। राम राम, आओ जी आओ आओ। राम 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 राम। दीवान जी आओ बैठो। अभी दीवाना, क्या बात भाई, आज बड़ी लेट आया। अरे एक जगह लग गया टाइम था, फरत आ गई। आके नहीं गई, कार्ड के ले हूं मैं, तो जेब में धरो हंडिया, लोन करने वाले के चक्कर में आना। अरे पहलवान तेरी आंख पे क्या हो गया यूं? होता के बस सेवा तो बहुत करी उन्होंने, पर साला फरत को नाल रहा था, लोन कढ़वाने के चक्कर में था ना, फिर के हुआ मन्ने साले की पकड़ के टाटी और खाट में दे मारा, और फिर आ गया उसका नौकर, पर बस सालों को दोनों को मन्ने ऐसा धोया जैसे धोबी घाट पर लगते धोए, पर तो लास्ट में उसके नौकर की ताल बैठ गई और मेरे मुंह पे गुट मार दी। अच्छा जी, और भाई इसी खेचातानी में मन्ने उन्हें मार मार कर बेहोश करके जब भी फर्द लेके आऊं जब भी तो पट रही हूं। अरे वाह भाई वाह पहलवान, यो काम तन्ने ठीक करा।
और पजम्मे जब मुझे छो आवे ना मैं नुई खुन्नम को अब ब्याह का और कोई कॉन्ट्रैक्ट ना है अख है कोई इसी के धोरे ना मेरे धोरे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है होगा तो इस पजम्मे के धोरा होगा बताना पजम्मे बे मैं तो तुम्हें नहीं कह रहा हूँ ब्याह की टाली करो ऐसा कैसे टाल कर दे यार ब्याह की हम सारी तैयारी करे बैठे हैं ब्याह की कभी कभी टाल भी हो जाए करे हमने तो लोगों की सगाई तक वापस होती देखी भाई ब्याह तो जरूर होएगा पर पहलवान इसका कोई और तरीका देखो तुम लो कर ले बात ये साले मुझे मरवा के छोड़ देंगे अरे कुछ ना सोचना था यार ब्याह तो वहां ही होता मुझे तो ऐसा लगा किसी ने फूंक मार दी अरे फूंक और कौन मारता मारे वाले मोनू की बहू की बुआ की दुरानी की छोरी है और मोनू और सोनू तो पहले दिन से फूंक मारने के चक्कर में लग रहे थे उन्होंने मारी होगी फूंक भाई पजामे लगा तू दिमाग तुझे बहुत तजुर्बा ब्याह का ढंग बैठा के उठाए बस तब मेरी सुनो बायोडाटा बना लो अखबार में कटवा देंगे बाटू को भी दे देंगे वो अखबार में कटवा देगा 8 दिन में ब्याह हो जाएगा ठीक है मास्टर जी अब मेरी सुनो तुम मैं बताऊंगा बायोडाटा तुम्हारा अरे लिखो मास्टर जी थारा बायोडाटा हम बोल लेंगे पहले बताई दे या लिखूं पहले देखो उसमें लिखो हमारे धोरे एक संपन्न लड़का है जिसके लिए हमें सुंदर सुशील लंबी चौड़ी ग्रह क्लेश में झगड़ालू अकड़ू ऐसी कन्या चाहिए जो अपनी दुरानी के जिठानी के सास के नाक में दम कर दे धुआं से निकाल दे ऐसी लड़की चाहिए लिखो हम बताएंगे पजामे मान गए तुझे वहीं चल ले बाटुके के घर उसे बायोडाटा बता देंगे वो वहीं बनाया लगा वो तड़के एक बार में निकलवा देगा फिर देखो सारी दुनिया में कैसे तालका मचता है अरे चलो और तो मैं वैसी मान रहा मार पे छोरियों के फोन सुनने का टाइम नहीं मिलेगा और यू बलजीत आमे टामे दे रहा और यू सुरते भी अपनी बहन मरवा लियो हमें दुश्मनी इनसे ही काटनी अब वेरी नाइस चलो 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 तो पागल बना रखा आज भीत कट कर है होगी जिसके जो हाथ तो लगा अपन ठाके चलते हैं मैं देखूं तो मैं अरे के बात होगी कैसे रुक के मचा रखे तन्ने कुछ ना होया बस तू देख भीत कटने दे मुझे ना पर हूं मैं से भीत लिकटेगी आज अरे किसने क्या कह दी तुझे कह दी और कसर के रहेगी कहने में कहदी बता रही है भीत लिकट के रहोगी आज बेटा लक्की क्या बात होगी क्यों गुस्सा हो रहा तू और क्या करूं ये दोनों मेरी पैड मिटाना चाह रहे हैं मैं इनका आता नहीं जाता नहीं लेता नहीं खाता नहीं क्यों पड़े मेरे पीछे मेरा ब्याह तय हो लग रहा था उसने भी लंकबाजी कर दी ये तो हो ही रहे कुल अच्छे तू गुस्सा मत हो बेटा तू बैठ आ चल आजा आजा मेरा बच्चा गुस्सा मत हो तू टेंशन मत ले तू ब्याह की ओर से तेरा सब हो जाओगा के बकरा आयु हाँ बकरा बता रहा तुम घरे बढ़िया हो जब तक रिश्ते टाल ना हुई ना दोनों वहीं पड़े रहे तेरी ढाल निकम्मे नाम मेरी साली का आना जाना जुटवा दिया तेने अरे तेरी कौन साली छेड़ दी भाई मन्ने अरे के महाभारत है यू के घमासान है क्यों लड़ रहे हो लड़ने तो और के करे वही भाई ब्याह का नाश कर दिया इतवार में गुठी बनाने जाना था यू जाकर बैठ के ना रिश्तेदारी काट के अरे कम से कम हमें तो बताता तन्ने तो हमें भी ना बताई हाँ तुझे बताता ये सारे में लग लगाते फिर सिर्फ रोक के नहीं जा रहे मेरा और मेरे आदमी का तो नाम भी मत ले दिया हाँ। हाँ, थारा नाम ना लूं सारे लंग तो तुम्हें पुछा रहे हो कौन है तू के मतलब है तेरा मारता है बताओ अभी हमें हमारी रिश्तेदारी में जाने भी रोकेगा कुत्ता तो पूछता ना इसे अरे थम जाओ के यहाँ खाओ तड़की उठते ही तुम जो सारे सारे भिड़ते रहो पूरे दिन नाश करने लग रहे घर का क्यों थम जावे जब यू ही ना कहेगा तो ये भी कहेंगी तेरी बन्नो आने साहब तक रोका ना रोक के दिखाएंगे भैया के ब्याह में सारा लगाने से तो गया और नई नई बात बता रहे हैं अन्य अन्य खड़े हो अरे मुझे नहीं लगवाना सारा मेरे सारा लगाने वाले भतेरे अब लिख रही है कुभीत जाने खड़े हो के कल को बहू ब्याह होगी इनकी नजर भी खराब है नजर खराब बता रहा हमारी अरे हम ही करवा सके तेरा ब्याह नहीं तो फिरेगा सारी जिंदगी टोकरी में लिए चून हम क्यों करवाएंगे इसका ब्याह वही करवाएंगे जो इसकी कौली भरे बैठे हैं मान जाओ दोनों लंका तुम मत करवाओ ब्याह मैं अपना काम कर लूंगी ब्याह करवाने वाली लग रही है वो तो मेरा ही ना होने दे रही तू मेरे 11,500 रुपए मांगे वो तो मेरा ससुराल अच्छा जो टिका रहा है मुझे देख के पढ़ रही है ब्याह करवाने वाली
अरे ओ हराम घोरो, तुम तो बीर पानियों से भी तले डालिए। तारा हिसाब करूँगा मैं, जरूर करूँगा तारा हिसाब। यू हर पे इनका हिसाब होता हो कर दो, मैं तो अपनी नौकरी की कमेटी चल रही हूँ, उनसे काम चला लूंगा। चलो भीतर को। यू भी दाब के बैठगी से तो थाम ले। तम तो मैडम बिना बात कर रही हूँ, पर तम इनका दो दो टेक दो। इन जैसे गुंडों की वजह से पता ना कितनी लड़कियों का स्कूल आना जाना जा, और तो घर से निकलना बंद हो जा। धन्यवाद। तुम डरे मत ना करो, जो कोई फालतू बोले सीधा मुंह पर हैप्टा मार देगा। हेलो मैडम जी, मैं लक्की बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा लक्की, हाँ जी कहिए। कल की छुट्टी है के? नहीं ऐसा तो कोई मैसेज नहीं आया, ना कोई सर्कुलर निकला। हमारे गांव वाले स्कूल की तो एक बालक छुट्टी बता रहा था। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है, एक बात और पूछनी थी। पूछो। यहाँ स्कूल में कोई कमेटी वमेटी भी गिर जागे? मुझे तो पता नहीं। अच्छा पता करना, अगर कोई गेरता हो तो मुझे गेरनी है। पूछ लूंगी, अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ बता दियो जरूर। हाँ जी ठीक है। अच्छा ठीक है जी, ओके। एक इसका फोन है। अरे माँ, उस गार्ड का ही फोन था, मैं बता नहीं रही थी। अगर स्कूल में 5 मिनट भी लेट हो जाए ना तो गेट बंद कर देता है। के कह रहा था वो? अरे माँ कवे तो कुछ भी नहीं, वो यो सीधा है माँ, बिल्कुल ठेठ दिहाती, जो भी बोलना हो मुंह के आगे ही बोल दे वह। एक दिन तो मालिक को भी स्कूल से वापिस भेज दिया था, इसके जिक्र स्कूल में चलते रहे। अब लग स्कूल वालों ने स्कूल से निकालाना है उसको। अरे ना माँ, मालिक को तो वो बहुत अच्छा लगे, और वो है भी साफ दिल का। मानस को तो ऐसा ही होना चाहिए। अरे मोनू है के? अरे सीधा चढ़ा आ रहा, खांस तो लेकर छोटी बैठी हुई है। अरे मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है, तू मेरे ढब चल। अरे मैं ना जा रहा किसी की ढब, यही बात कर, जो बतानी है यही बता। अरे तेरे तक कुछ बात बतानी है, यहाँ ना बताई जाने की है। रहन दो तुम, फिर कोई लंक लगाने आए होंगे, इन दोनों मर्द वीरों का यही काम है। उस दिन मेरे बापू को भड़का रहे थे। अरे न्यारा होने की बात करता हूँ तो कर ले, ना तो मैं तो अपने कमरे में बैठा हूँ। अरे रस्ते में आज मुझे तेरा सुसरा मिला था, वो नू कह रहा था मेरे हाथ में 10 लाख रुपए का रिश्ता है, पर छोरी रबल्ली सी है, और इस लक्की के लिए पटवा देंगे, और इसके ऐसी रबल्ली सी आ जाएगी और दोनों बांट लेंगे आधे आधे। तू ठीक कह रहा, जैसे तू बता रहा ना ऐसी आनी चाहिए इसे तो। न्यारे होने में ना तुझे कुछ मिला ना मुझे कुछ मिला, देख ले 10 लाख की बात है। अरे ज्यादा तेज मत बन, मेरे ससुरे का क्या होगा जो सारा काम करवा रहा। अरे उनका काय का हिस्सा लेके मांग रहे हैं। अरे मांगो मत ना, मेरा तो फर्ज बना है उन्हें देने का। तेरी समझ में आती हो तो 15% ले ले और सारा हमारा। चल ठीक है, जैसे तू कराए कर ले। चलो ठीक है, मैं भाई साहब के लिए चाय बना के ला रही हूँ। अरे दूध में पत्ती लगा के लाइए। ठीक है। थोड़ी सी अदरक मारिए, देख है बड़ा भाई आया, बैठ भाई। बबीता रूपा को आवाज मार दिए, सारे बैठ के बतलाऊंगे। दीदी हुँ? आपको भाई साहब बुला रहे हैं। हैं? मुझे बुला रहे? कहाँ मर रहे ये, घर पे ना टिका जाता इनसे। हमारे कमरे में चलो एक बार। हाँ ठीक बात है तेरी। आ जा भाई बैठ। भाभी ले चाय ले, भाई ले चाय ले। के होया, क्यों बुला रहे थे? अरे इस लक्की का ब्याह करवा दें के? हमें ना करवाना किसी का ब्याह। 15% मिल रहा 10 लाख में थे। 15% क्यों? 85% में मोनू और इसका ससुरा है। इसका ससुरा रहेगा तो मेरा भाई रामपाल भी रहेगा। सारे चोर गहल बैठे हैं। परसेंटेज की बात चल रही है, कहां तक करवा रहे हैं ब्याह? अरे ये तो बहुत तेज चल रहे हैं, मुझे कटवाने की सोच रहे हैं। हम्म,
आज ये सारे काम करने हैं। पहले लाऊं मिस्त्री को बुलवा के या भीत कटवाऊं, लेटरिन बाथरूम बनवाने हैं। सब कुछ अपना ही मान रहे हैं, लेटरिन बाथरूम के भी ताले लगा दिए। दो दिन की छुट्टी है, यू काम निपटा लूं पहला सारा। सारे बकड़ में कबाड़ गिर रखा, जीना भारी कर रखा बिल्कुल। यू कौन सी भीत काटने लगा तड़की तड़क? अरे न्यार लेने चले। न्यार तो पड़ा है, मैं अपने घर जा रही हूँ, चलो तुम भी। तू एक काम कर, तू ससुराल ही चला जा। हाँ, या कह रही तो जाना तो पड़ेगा ही। हाँ तू जा रहा ना, तो एक काम जरूर करिए, तू अपने ससुरे से बात कर लिए। हाँ यू यहाँ भीत काटन की कह रहा, हो सके तो इसे मना लेंगे। और मुझे नचे परसेंटेज में कोई हिस्सा, मुझे तो सुधे 10,000 दे दिए। हाँ तू भी अपने साले से बात कर लिए, तू कह रहा ना उसे हिस्सा दुआना। हाँ हाँ चल उससे बात कर लूंगा। पता नहीं गैंग के प्लान बना रहा। चलो अरे मास्टर है के? हाँ है, और ला के कात फोटो। अरे मिल जाएगा फोटो भी, आजा बैठ। मैं ना बैठता, मुझे काम है। अरे काम भी हो जाएगा, बात मान्य करे, आजा। बहुत मान ली तेरी बात, ट्रॉली भरवानी होगी। ट्रॉली ना भरवानी, डरे ना, आजा। चलू मैं काम सा। जान ना दू, काम भी हो जाएगा, मजे बता मैं करवा दूंगा काम। तो बता की कह रहा था? अरे मैं तो नू कहूं था, तू की कर रहा? करता के दो दिन की छुट्टी थी। अच्छा, वो भीत बात सी कटवा देता। बहुत बढ़िया, मेरी भी एक बात समझ में आई। और सुन, एक भीत तो कटवा इसके अपने बापू की डब को, और इसका दर करवा बारली डब। मैं बताऊंगा तुझे सारी समझा दूंगा। और काल गया भी था मैं तेरी डब को, वे सारे तेरी डब बड़े रहे। मैं तो धमका गया उन्हें सुसरू को, उनकी तो राड मारनी है। ठीक सोच रहा तू, उनकी राड मार देना, धुरलो तंग रखेंगे। और अपना न्यारा फोड़ ले दर, और एक भीत काट ले अग्गे को, और इसका अपने बापू का दर करवा दे नींगे बार गाल में। और पीछे दिल्लू की जरूरत पड़े तो मैं बैठा बता दिए। ठीक है। हेलो लक्की, अरे कहाँ मर रहा तू? आज इतवार है, आ जाता कुछ आगे की बतला लेते। मैं घरों भी गया, तू वहां नहीं मिला, आ जा। अरे मिस्त्री धर जाऊं था, ताऊ बलजीत ने बैठा लिया। उठ जा इसके धोरे से, वरना ये पठन प्यारा होगा। कहाँ है तू? अरे पानी आ जा डॉक्टर बंगाली की दुकान पे, वहाँ जा रहा हूँ मैं। वहाँ की कर रहा तू? अरे यहाँ बहुत सारे आदमी अखबार देख रहे हैं, मुझे लगे आगे लिख के अखबार में। डोलचेर पजामे को बता दिए लगी लॉटरी। अरे इतवार है, अपना सारा सामान लेकर 12 पे पहुँचो, और मैं आ रहा हूँ अखबार देख के। ठीक है आ जाओ। ओए, हाँ देखी कुछ मारे बारे में भी आया क्या अखबार में? अरे तेरा क्या आना इसमें? अरे अब तो जो भी आना मारा ही आना, ले अखबार उड़ा के दे तुझे ना पावे। अरे देख ले तेरा क्या मामला आना। मामला बता रहा, ऐसे मार मार रैप के मुंह पे, मामला पता लग जाएगा तुझे। मारा मामला सुर्खियों में, हेडलाइन में मारा मामला। भाई अखबार वाले भी कमाल है, मारे मामले को दबाए बैठे, न्यू न्यू उछालते मारे मामले को। आजा भी आजा। पहलवान हमें यहाँ बैठा गया, पता ना अपने आप कहाँ जरा। अरे तू कौन सा टाइम से आएगा? तुझे कहना पता है? अरे तुम यहाँ कैसे बैठे? अरे हम तो ठीक बैठे, पर तू यो बता तू कहाँ मर रहा था? पूरे कोई है तुझे पता नहीं हम खड़े पर गुंडी शकल के बैठ पहलवान। भाई मुझे तो ऐसा लगे कि ये ब्याह वाला मामला अखबार वालों ने दबा दिया। क्यों? क्योंकि कहीं से कहीं तक भी उसमें नाम ही नहीं पाया। मुझे तो ऐसा लगे सारी बदमाशी बाटू के पप्पू की दिख है। वो बदमाशी क्यों करेगा, उसे बारात में ना चलना। मैं बीड़ी लगा रहा हूँ, तुम बीड़ी पीना, इसका भी कोई राह बैठेगा। अरे कुछ रहा ना बैठ रहा, मेरी छुट्टी भी खराब ही गई दिखे है। वह भीत कटवानी थी न वह भीत लिख दी। लिखट जाएगी भीत भी, भीत ना कहीं भाग रही। पहले जिस काम में लग रहे उसे तो पूरा कर लिया। भाई अखबार की तो राड मल ली, अब आगे बताओ क्या करना। मेरी मानो तो मंदिर में चलो महाराज धोरे। क्यों वहाँ के करेंगे? अरे करते के उससे पूछेंगे ब्याह हो भी जाएगा के ना। ठीक कह रहा है पहलवान, ये बात क्लियर हो जाएगी, कभी हम नुई दही तोड़वाओ जा। अच्छा
चलो तो कर लें क्लियर। चलो चलो। थोड़ा हटके बैठ टोपे। कहीं थी स्प्लेंडर ले ले। मुझे तो ले ले। ओए रोक ले। मेरा पीछे मत कर डोलची। रे मैं ना हूँ पजामा खेंच रहा। चुप बैठ जाओ। अरे उतरो भाई। जय हो बाबा भोलेनाथ। वो महाराज जी नहीं दिख रहा, कहाँ बढ़ रहा? अरे सब कुछ मिलेगा, चल आगे। मास्टर जी एक काम करो, तब मंदिर में चलो, मैं इस महाराज से मिल गया हूँ। ठीक। मारा तो यहां भी नंबर नहीं लग रहा। कई तो कांवड़ ले आए, कई भंडारे में चले गए, यो ब्याह हो के ना दे रहा। पंडित जी हाथ देख कर न्यू बता दो, यो ब्याह होएगा के ना होएगा? छोरे की नौकरी भी लग रही, वो घर तक न्यारा भी हो लिया, पर कुछ बात समझ में ना रही। अब कौन सी कसर रहेगी उसे शर्त पूरी करने में? बेटा ब्याह भी होगा, मंदिर में 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दे और परिक्रमा लगा ले। काम तो हम यो भी पूरा कर देंगे, फिर तो गारंटी होगी। बेटा गारंटी पूरी है। ओहो, इसका मतलब महाराज की फुल सेटिंग है शिवजी से। इस बेड़े को शिवजी पार करेगा। चलो लो प्रसाद लो। अरे तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही। नहीं नहीं, कोई बात तो जरूर है। वही घर के लड़ाई झगड़े। लड़ाई झगड़े तो घर में चलते रहते हैं। मैं ना लड़ता, वे लड़ाए मेरी गैल। लेकिन तुम मत लड़ना, तुम परेशान मत हुआ करो। परेशान तो होना पड़ेगा जब सारे पीछे लगे रहे तो। सारे परिवार में कौन कौन है? माँ है, बापू है, दो भैया और दो उनकी सांडनी। माँ बापू कुछ कहते नहीं है क्या? पार्टी बन रही है सबकी न्यारी न्यारी। तुम्हारी पार्टी में कौन कौन है? मेरी पार्टी में तो कोई भी ना, मैं तो अकेला ही हूँ। अरे सब छोड़ो, ये बताओ आपकी बाइक कैसी चल रही है? बाइक? बाइक तो बहुत घनी बढ़िया चल रही है, बहुत लक्की है। ठीक है चलो। अरे ओ फेरू के साला यहीं पड़ा रही है, देखो बहू लेके निकल गया। देख अरे कौन निकल गया? अरे वहाँ देख, वो निकल गया, देख गुजारा। चलो वो देखो कैसे पर्ची सी तोल के निकल रहा। अरे बैठो बेटा, कहाँ चले? रहता हूँ, मेरे पास टाइम ना है तेरी बकवास सुनने का। मुझे तो नू लगे आज रात ही मंडा करवाना पड़ेगा। यार इस साहब सिंह के ने इतना तगड़े का कड़ा काम करवा दिया, ना तो किसी को गम में कहने दी, ना किसी को मेहमान ने कहने दी, जने बुक करके ही बैठा रखी थी। बाबा आज तड़के में कोई आवे ना तो मेरे नाम की भी रोक लिए। बस ट्रोली भरी खड़ी है, गेट पर तोलते आ रहे हूँ आज साल तक। अरे फेरू के चल परे को मर ले, तू भी ले जिए जब धरी पाओगी। चल चल परे को मर ले, तेरा ससुरा आया बहू वाला। ठीक है मास्टर जी, तेरी तो अच्छी ताल बैठी, तन्ने भगवान से पहले ही बोल रखा था के। अरे मास्टर नु तो बता दे भाभी है कहाँ? वो जा रही, देख ले भाई। एक बात है मास्टर, भाभी है बम का गोला भाई। ढंग से बोल, भाभी को बम का गोला बता रहा है भाई।
हाँ? ये बता बारात के मानसो की चलेगी? अरे तुम मोटरसाइकिल बैठो हेड पैड। चलो भाई चलो। अरे भगवान जी, इसकी तो तुमने पहली बार में सुन ली, कहीं इसके लिए बैठा रखी थी गयी? मारी भी सुन ले कि हम न्यू इंग्लैंड में मरेंगे। मुझे पूरा ले ले, पूरा ले ले, बा पूरा ले ले। लेकिन तुम मत मत तुम्हारी पार्टी में कौन कौन है? मेरी पार्टी में कोई भी नहीं, मैं तो अकेला ही। मारा हूँ पर प्यार तुम्हीं से करता हूँ, जैसा हूँ तुम्हारा हूँ तुम पर ही मरता हूँ। प्यार तुम्हीं से करती हूँ, जैसी हूँ तुम्हारी हूँ इजहार मैं करती हूँ, इजहार बने आए इसलिए हूँ मैं खामोश, वरना तुझे देखे बिन आता ही नहीं मुझे होश, वरना तुझे देखे बिन आता ही नहीं मुझे होश। यूं मुझको ना आजमा, मेरी बात मान ले जा, दो जिस्म है तो क्या है पर हम हैं एक जान, दो जिस्म है तो क्या है पर हम हैं एक जान। तेरी यही बात सुनकर रातों को मैं रोता हूँ, जैसा हूँ तुम्हारा हूँ तुम पर ही तो मरता हूँ, जैसा हूँ तुम्हारा हूँ तुम पर ही तो मरता। खुशबू अंबर में तारे हैं तेरी, बन के चलूं परछाई हर जन्म तुम्हारे है, तेरी बन के चलूं परछाई हर जन्म तुम्हारे है। मेरी कुछ मजबूरी है इसलिए तो दूरी है, तोड़ूंगा सभी बंधन अभी बात अधूरी है, तोड़ूंगा सभी बंधन अभी बात
पल 100 बार तड़पती हूँ, जैसी हूँ तुम्हारी हूँ इजहार मैं करती हूँ, जैसी हूँ तुम्हारी हूँ इजहार मैं करती हूँ। अरे मोनू, तैने अपने सुसरे से बात कर ली? हाँ, होगी मेरे सुसरे से मेरी बात। कितने परसेंट मांग रहे? वो कह रहे थे कि 40% की, पर मेरा साला कह रहा है रिश्तेदारी की बात है 35% ले लेंगे। तो फिर तू आधे में रहेगा। तुम तो अपने बापू तभी ऊपर पाए, बिहा भी हम करवा रहे हैं, हम ना छोड़े एक भी पैसा, ना तो हमें उनके तक कुछ मिला, ना इनके ते लेन दो तुम हमें कुछ, तुम तो नूचा रहे हो सब कुछ, तुम ही रख लो सब। अरे मैं न्यू ना चाह रहा, मैं सारा रख लूं, मैं तो न्यू देख रहा था मैं कोई दिक्कत सी ना हो तो मुझे 20% दे दियो। हाँ हाँ, इतना तो हमें मिलना भी चाहिए, तुम भी तो मेहनत कर रहे हो। 20% तो ना दिया जावे। अरे यार 20% पे मेरे पे आवेगा ही कितना, अगर मेरे साले को पता चलगी ना वो भी मांगेगा, फिर मेरे थोड़े बचाई के। हाँ कुछ तो उससे भी मिलना चाहिए, वो भी तो हमारा इतना ख्याल रखे है। हाल तो इन दोनों का भी रखे है, जब भी आओगे आते ही बुझेगा मोनू का के हाल है, और बबीता को तो कद्दी बिना मिलाई दिए जाता ही नहीं, मिलाई दे के ही जावे। अरे चल पूरा आख लिए 20%, भाई भाई का क्या बटा, और वो भी तो हमारा रिश्तेदार ही है। अरे भाई वे तो तेरी इतनी घनी शर्म मानने दोनों भाई हाथे ज्यादा। अरे चलो आ लिया लक्की, उससे चलो बात करेंगे। चलो। दीदी देवर जी से थोड़ा राजी राजी बोलियो, थोड़ा सीधा सही है वो। हमारे कहने पे ब्याह करेगा तो सुद्धा है वो, अन्य वो ना है कहीं का सुद्धा उद्धा। तुम घनी मत बोलियो लक्की के आगे, यू 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा ना तुम्हारे बोलने से। अरे इतनी बावली ना जो कुछ भी बक देंगी। चलो अरे लकी, अरे भाई कैसे? अरे तू कहाँ फिर तड़की तहानता हुआ, हम तुझे ढूंढते फिर रहे, ये दोनों यहाँ वीरान हो रही, कैसे दुखी सा हो रहा है? अरे बोलता क्यों ना लकी, तू पानी लाऊं तेरे लिए? मैं सपना देख रहा हूँ। अरे बबीता एक गिलास दूध ला, पता नहीं लकी कैसे परेशान सा हो रहा। जा मलाई ला इसकी। अरे कैसे हार सी मान रहा लक्की, लक्की सब ठीक हो जाएगा। ले दूध। बेटा लक्की इसमें कुछ जहर पैर तो ना है? पहले भाई को दे। ऐसा दूध तो कभी मैंने भी ना लाई, और लक्की की सेवा कर रही है अपने देवर की, ऐसी करे करे कर। कुछ हुआ तो ना? अरे ना सब कुछ बढ़िया चल रहा। अरे वाह भाई, सारा परिवार इकट्ठा, आज सूरज कहीं उल्टी दिशा से निकल गया क्या? दूध अच्छा, मलाई भी है भाई, वाह पूरी सेवा कर रही भाभी आज तो देवर की, ऐसा रोज रोज देखने को मिल जा मेरा तो जीवन सुधर जा। आ जाओ पिताजी बैठो। अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही मिलजुल कर रह करो, देखो छोटा है इसकी सेवा करते रहो तुम। तुम सारे के सारे बेफालतू में सांग करते रहो, मैं नू बताऊं इस गांव गवांड में तो क्या इलाके में भी तारे जैसा घर नहीं रहने का किसी का भी, समझ गए? अरे के बात है लक्की बेटा। अरे मम्मी आ जाओ। पता ना जिनका के बात हो रही है। अरे हमारा कुछ बात ना हो रही, हम तो तेरे मारे दुखी होते फिर हैं। भाई लक्की जब तू खुद रोटी बनावे मार पे बहुत जोर पड़े, हम तेरा ब्याह करवा देंगे, ब्याह के बाद खुश रहे। पिताजी हम तो नू चाह में यू भी हमारी ढाल हो जा, मेरे ससुर जी ने बहुत अच्छी लड़की देख रखी है तो वो नू कह रहे हैं इस रिश्ते को कर लो, तो हम चाह में इस रिश्ते को यू कर ले। अरे भाई रिश्ता बढ़िया है, लोंडी बढ़िया है, इससे बढ़िया बात क्या है, फिर तो ब्याह को हम यही कर लेंगे। अरे यू ही के नाट रहा, ब्याह को कर दो, ये तो राजी है मेरा, हो जा भैया। मैंने तो अपने बापू तक रखी थी, वे तो उस दिन से ही लग गए। कह तो मैंने भी अपने भाई से रखी थी, पर यू होता हो तो इसे कर लो, मैं तो बारात में चलूंगी। अरे ठीक कह रही भैया, अगर यू ब्याह होता हो मैं भी इतराज नहीं, कर लो इस ब्याह की टाल, मैं अपना ब्याह अपने आप कर लूंगा। भाई तू अपना ब्याह अपने आप क्यों करेगा? पिताजी माँ मैं भाई भाभी हम किस काम है, हम करेंगे तेरा ब्याह। अरे हाँ हम करेंगे तेरा ब्याह, मैं तो चाहूँ तेरा ब्याह हो जाए, तीनों भैया बराबर के हो जाओ और मिल कर रहो, मुझे तो बड़ी खुशी मिलेगी ऐसा। अरे इससे बढ़िया बात है क्या, तुम सारे के सारे मिल के रह रहे हो, मेरे शरीर के 3 टुकड़े कर लो पर तुम एक रहो। अरे एक बात बताऊं तुम्हें, उसे बलजीत को घर में ना बढ़न दो, यो घर आगे बढ़ जाएगा और नहीं तो घर का नाश हो जाएगा। रही ब्याह की, ब्याह तो होगा ही, ब्याह तो मेरे ससुर जी करा रहे हैं और हम भी राजी हैं सारे। तेरा ससुर और तेरा बताया ब्याह ना करूं मैं बिल्कुल भी। रही बात उस गांव की, मैं तो उस जिले में तो ब्याह ना करूं। अरे लक्की मान जा, अन्यू ना कह करते हैं, तू ही तो खुद कहता फिर सारे गांव में मेरा ब्याह करवा दो ब्याह करवा दो, और अब हम करा रहे हैं तो ड्रामा दिखा रहे तू। तमी ना कहने दो, सवेरे को बहुत देखने चलेंगे। इसके कहने से क्या हो रहा जब पूरा परिवार राज्य तो। अरे जाओ अरे डपता हो रहा मेरा ब्याह, उस दिन तो नुकेरा मेरी साड़ी छेड़ दी थी।
अरे थम जा, सुन जा। बनी बनाई बात बिगाड़न लग रहा। चाय मीटिंग चल रही है। कम्मखत बाहर ही खड़ा दिखे है, पर चलो तुम चाय पियो। थारी समझ में कोई बात आ रही है ना आ रही है? पर मुझे तो अपने साले साहब की चिंता हो रही है। तुझे अपने साले की चिंता हो रही है? उसने 10 लाख का नुकसान कर दिया। मेरा ससुरा तो सुनते ही चक्कर खा गिर जाएगा, उसे कैसे समझाऊंगा? अरे यार वो तो समझ जाएगा, पर मुझे तो अपने साले की चिंता हो रही है। जुबान दे रखी है उसे, पैसे घर तक देने पड़ जाएंगे। वो तो शर्माता हुआ कहवे ना, पर किसी रिश्तेदार को पता चलेगी ना मेरा मरना हो जाएगा। अरे तुम दोनों ही कुछ बताओ, लपर लपर बोले जाओ, इस चीज का जुगाड़ तो बताओ अब क्या हुआ है। तब मानो मारी। और बाप भी तेरी मानेंगे, बता। मारी मानो तो इस घेर पे कब्जा कर लो, हमें तो 10 लाख से मतलब है, हमें ना मतलब किसी चीज से भी। ठीक कह रही है दीदी, कदलो हम उसके चक्कर में लुटते पिटते फिरे जाएंगे, और मैं तो कहूँ उसका भय ही ना होवे कहीं से भी। लो जी रामपाल का फोन है, बात कर लो। मैं ना करता यू, पैसे नहीं कहूंगा, तू ही कर ले। मैं नहीं करती, खुद ही कर लो। अरे तो काट दे। देखो जी आज तो मैंने फोन काट दिया है, पर चाहे कहीं से ब्याज बुलाने पड़े, मेरे भाई के पैसे करो कहीं से भी। अरे ओ महारानी, मैं दे दूंगा। यू मान जा तो सारे काम हो जाते। मुझे तो भाभी वाली बात समझ में आवे, इससे कह दे मैं ब्याह करता हूँ तो कर ले, ना तो इस घेर में पैर मत रख दिए। यही बात फाइनल रहेगी। ठीक है, तू अपने साले को बुला ले, मैं अपने ससुर को बुला ही लूं, मिलकर जवाब देंगे, भगवान के पता सुनी लेवे। यही बात रहनी चाहिए, हो जाएगा काम। अरे भाई विजयपाल, राम राम। राम राम, आओ धर्मवीर बैठो, लो हुक्का पियो। और बता क्यों कर आना हुआ, घने दिन हो गए तू तो आता नहीं, मैंने सोची भाई मैं खुद ही मिली हूँ। ठीक करा तूने भाई, घना बढ़िया करा, हुक्का पी। चैनपाल मिला था एक दिन, वो बता रहा था। अरे हाँ यार, आ तो था वो एक दिन। स्वरूपी फूफी के ढंग है अब? अरे भाई बच तो गई, 2.5 लाख रुपए लग गए। 2.5 लाख रुपए लग गए? अरे पैसे तो लगते रहे। मैं और बता, बालक नन्हे सब ठीक हैं? बालक नन्हे तो तेरे भाग से सब ठीक है, अब अपने काम पे लग रहे। अरे काम तो सबके चलते रहेंगे, और बता ब्याह काज हो लिए सबके? ब्याह तो हो लिए सबके, पर एक बालक ने थोड़ी सी गलती कर दी। हाँ भाई पता चला था, न्यू ही आया हूँ मैं भी। देख ले कहीं ताल सी लग जा तो 5-4 लाख रुपए में लगाने को भी तैयार हूँ, नहीं तो फिर मोल की देख लेंगे। अरे ना इतने रुपए तो ना लगे, है एक दो मेरे नजर में, मैं बात करा दूंगा, तू आ जाइए। ठीक है भाई, करवा दे तू इस काम को, चाहे इसके लिए पैसे तो हमारे से पहले ले ले। अरे भाई क्यों घनी चिंता मान रहा, आ जाएंगे रुपए भी, यहाँ कोई पैसे मार मैं। अरे दुनिया जाने कितना बड़ा घर है, और तुम्हारे हमारे रिश्ते कोई नए थोड़ी है। चल ठीक है अब घर चल, चाय पानी तो बनवा दूं। सपना, सपना बेटे। हाँ माँ। ये ले 10,000 रुपए, मैं बैंक से निकलवा के ले आई हूँ, और तुझे कब मिलेंगे पैसे? मेरे को तो 10 तारीख को मिलेगी। 10,000 तो ये हो गए बेटा, 14 तुझे मिलेंगे, 24,000 हो जाएंगे, 20,000 तेरे ताऊ ने दे देंगे, यदि मान जाएगा तो 4,000 अपने भी बच जाएंगे, घर का खर्चा चल जाएगा, ना तो मुश्किल है बेटी के करना पड़े। लो माँ फिर ये आप ही रख लो। ना बेटी ये तू ही रख दे, मैं कहीं धर के भूल जाऊंगी, ये पैसे का मामला है। ठीक है माँ। चाचा राम राम। राम राम भाई, राम राम। ठीक है भाई मुकेश। हाँ चाचा ठीक है। बेटा मुकेश क्या रेट कर रखा प्लॉट का? चाचा थार तभी रेट भाव करेगा के, तुम जहाँ तक कहो, जहाँ तक कहो वहाँ ले लो। अरे वो बात तो सही है तुम्हारी यार, फिर भी कुछ रेट तो होगा। चाचा जब तुम मानी ना रहे, जो पिछले वाला चेक है 3500 और 4000 का, यहाँ आगे फ्रंट पे 6000 का रेट है। भाई लेंगे तो फ्रंट पे ही, कोने वाले का क्या रेट है यू बताओ। चाचा लग जाएगा तुम्हें 5 का लग जाएगा, पर नू तो बताओ कितनी चाहिए। अरे चाहिए तो 100 गज, मगर कुछ फालतू लेने का जुगाड़ बनाऊंगा, अगर कुछ ऊंच नीच रही तो आपस में कर लेंगे, यू मान 5 लाख तो घर ही रखे। ठीक है तो दे दियो बहन ना। बेटा तू ये बता, शाम को घर तू किस समय पहुंचेगा?
मैं 5-6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तू आ जा, मैं अपने लड़के से बोल दूंगा, तुझे बयान भी दे देगा। अरे भाई, रजिस्ट्री सोमवार मंगल में कराई लेंगे पक्की। ठीक है चाचा, तू बेफिक्र रह, मैं शाम को घर पहुंच जाऊंगा। यू ही हो गया अपना, बेफिक्र रहो। ठीक है भाई। ठीक है चाचा। सपना, सपना बेटे। हाँ माँ। कल इतवार है, मैं सोच रही तेरे मामा के होया हूँ। क्यों? तू ना जानती, जब पिछली बार तेरा मामा आया था, हिसाब किताब न लेके तेरे ताऊ ने उसको गाली दे दी थी। उसके बाद ना तो तेरा मामा आया, ना कोई फोन आया। मैं सोच रही हूँ कि मैं ही होया हूँ। गाली गुली दे दी, ताऊ ने गाली क्यों दे दी? ताऊ तो किसी को भी गाली दे दे वे। तू ना जानती, तेरे पापा जब बीमार हुए थे, तेरे ताऊ ने 70,000 रुपए दिए थे। उसके बाद तेरे ताऊ के 2-3 बार मेरे पास भी तगादे आ लिए। तेरे ताऊ ने तेरे मामा से पैसे मांगे होंगे, तेरे मामा ने मना कर दिया होगा, इसलिए तेरे ताऊ ने गाली दे दी। अच्छा ठीक है माँ, चली जाइयो, पर सांझ जी ने वापिस आ जाइयो। ठीक है बेटी, सांझ तक आ लूंगी। तेरे मामा तेरे लिए छोरे का जिक्र सा कर रहा था, उस पे भी नजर मार लेगा। अरे माँ, ये कर्जे वर्जे पहले निपटा लो, मेरी शादी होती रहेगी ना बेटी। कर्जा वर्जा तो यूं ही पटता रहेगा। अब तो मैं किसी की भी ना मानू, ब्याह तो तेरा मैं टाइम पे ही करके रहूंगी। तेरा पापा होता तो दूसरी बात थी। अरे दीपक। हाँ ताऊ, आ रहा हूँ। वो आ रहा दिखा है कि तेरा मामा? ना तो। लगा था गाल में जैसा हंड रहा हो। नहीं, माँ जाएगी कल मामा से मिलने। यू क्या करेगी वहाँ जाएगा? अरे बोलन की उसे तमीज नहीं, जब आवा ऐसा बोला उल्टा सीधा जैसे कि हमने उससे कुछ लेकर खा रखा हो। और मैंने सुना तेरे लिए छोरा भी ढूंढता फिर रहा। कह दे इससे, समझा देगी उसे। उसे छोरा ढूंढने की जरूरत ना, हम आप ढूंढ लेंगे। आ जाओ ताऊ, किस काम के लिए आए थे? अरे काम से किसी से ना आया मैं, गन्ने का पेमेंट आ रहा, अपनी माँ से कह दे जाएगा कड़वा देगी। मेरे पे भी तगादा सा हो रहा। इनसे कह दे कल तो इतवार है, 1-2 दिन में कड़वा के ला देंगे। चल पेमेंट तो इतवार की जगह सोमवार को निकल जाएगा, पर इससे कह दे वहाँ जाने की से कोई जरूरत ना। अरे वो करेगा हमारी छोरियों का ब्याह। अरे छोरी का ब्याह तो हम करेंगे। अरे भगवान, यूं क्यों दुखी सी हो रही है? कुछ हिल्ला देख ले, काम धंधा देख ले कुछ। के बात है? दुखी कनु ही हो रही हूँ, इस लक्की की ओर से दुखी हो रही हूँ। क्यों, क्या बात हुई? सुबेरी उठा, रुखी रोटी न लपेटे और चल दे, मेरी आत्मा बड़ी परेशान है इसकी ओर से। अरे जोर तो मेरे पे भी पड़े है, पर करूं के? करते के, किसी से कह सुन के करवा दो उसका। मानता हो तो समा ना लो। आज तो मोनो सोनू भी कह रहे थे उसके रिश्ते को। आज के कह रहे थे? ब्याह कोई कह रहे थे। तमी देख लो, मान जावे तो अपने हाथ से रोटी पकावे, सारे दिन भूखा प्यासा फिरे जा, मुझे भी शर्म सी आवे। अरे आ जान दे उसे आज स्कूल ते, समझा वो अगर उसकी समझ में कुछ आता हो तो। पता ना उसके तो दिमाग में क्या भर रहा। अरे जा तू एक काम कर ले, चाय बना ला। वैसे तो इनके कारनामे देख के ना तो भूख लगती ना प्यास लगती, हम तो दुखी हो लिए बिल्कुल। जीते जी मार दिया इन लोंडो ने। मैडम, सपना मैडम दिखाई नहीं दे रही। वो शायद ऊपर हैं। अच्छा। मैडम तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें सारे में ढूंढता फिरूं। अरे बस मैं लंच करके नीचे ही आ रही थी। ये क्या सर्कुलर है? लो देख लो, मुझे ना पता, साइन करने है। अरे मैं बाद में कर दूंगी, आप बैठो। हाँ, खाना अरे खा लो। बैठो ना, आप भी खाओ। नहीं नहीं। अरे खाओ ना, आप खाओ। लो। खाओ। मेरी सब्जी इस पे धर दियो। नहीं, इसी में खाओ। तुम लंच
लंच बॉक्स नहीं लेके आए? मैं लंच बॉक्स कहाँ से लेकर आता, पूरी रात तो लड़ाई हुई है। अरे ऐसा चलता रहता है, आप खाओ। कल ना लंच बॉक्स मत लेके आना। सब्जी तो बड़ी स्वाद बना रखी है। ठीक है तो कल से आपका लंच मैं लेके आऊंगी, ठीक है? नहीं नहीं ये तो रोज की बात है, आप इस पर साइन कर दो बस। अरे साइन सुइन तो होते रहेंगे, पर कल से आप लंच मत लाना। लंच वंच तो ठीक है, तुम जुगाड़ मेरी कमेटी का करवा दो। कमेटी डालना चाहते हो? हाँ कमेटी डालना चाह रहा हूँ। क्यों, कुछ पैसे हैं वे चल जाएंगे ना, तो घर वाले काट लेंगे उन्हें, और बाद में अगर कमेटी गिर गई तो टाइम पे काम आ ही जा करे हैं पैसे। आप साइन कर दो, मैं रोटी तो खा ली। भाई पजाम में मास्टर को मंदिर के ले गए, उस दिन से तो उसके दर्शन ही दुर्लभ हो रहे। अरे भाई इब तो वो हमें पहचान ले ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। क्यों भाई? क्योंकि अब मिल गई उसे बहु, इब हमें कुछ ना समझे वो, और देखा ना था पहले दिन ड्यूटी करके आया था कितना मिठा बोल लिया था। ठीक कह रहा पजाम में, नौकरी लगते ही और बहू मिलते ही आदमी के हाव भाव बदल जा। और मैं बात सुन लो, अगर लक्की हमारे साथ पहले जैसा ना रहा, हम मजबूर हो जाएंगे, अखिल भारतीय रांडा संगठन खड़ा कर देंगे उसके साथ कि बहू मिल गई और भूल गया यारों को। पर यार उससे एक बार मिल तो नहीं? ठीक है तो चलो, इस बहाने चल के उसके नई बहू के हाथ की चाय भी पी लेंगे। चलो भाई चलो चलो चलो। चाय आ गई, चाय पियो। लो तुम भी लो। भाई विजयपाल ये हमारी छोरी सपना, बड़ी सुथरी है, गलत जवाब तो देना ही नहीं जानती, स्कूल में पढ़ा हुआ है, 14-15 हजार की तनख्वाह भी मिले ऐसे, और घर का सारा काम चोला चौका बर्तन सब सफाई से करे। ये मेरा भतीजा विकलांग है, इसकी सारी जिम्मेदारी इसने उठा रखी है। अब तुम बताओ छोरी कैसी लगी? धर्मवीर मुझे तो छोरी बढ़िया लगी, समझ में आ गई मुझे तो, और जैसा तुम्हें बढ़िया लगे ऐसा कर लियो। भाई विजयपाल तुम बैठो, मैं अभी आया। अच्छा हाँ भाई मुकेश। चचा आज इतवार है, मैंने कह रहा था कुछ पैसे दे देते, कल रजिस्ट्री हो जाती। भाई आदमी तो आ लिया, पकड़ा दूंगा तुझे 2 घंटे में पैसे। मैं थारे वाले घेर में बैठा हूँ, एक बार मिल लेते आके। घर में कुछ मेहमान से आ रहे हैं, तू बैठ चल मैं आ रहा हूँ। ठीक है जी ठीक है। चौधरी साहब राम राम। राम राम जी। चौधरी साहब बालका के बाप तो है ना, ब्याह तो मैं हल्का ही कर पाऊंगी। चौधरन थारे भाग से कोई कमी ना है घर में, हम तैयार है। बता दियो धर्मवीर को कोई खर्चा वर्चा करने की जरूरत ना है। अच्छा चौधरन मैं चलूं, मुझे किसी से मिलना है। राम राम जी। अरे दीपक आ जाओ, ताऊ आ जाओ। ताऊ बैठो। वो गया? हाँ ताऊ जी वो तो गए, सब कुछ बता के गया। देखिए बेटा इसमें नंबर होगा उसका, विजयपाल का, मिलाइए जरा। अरे ताऊ जी इसमें तो बैलेंस ही नहीं है, मैं अपने वाले से मिलाती हूँ। ये बालकों ने नेट चला लिया, उत्तर कुमार की फिल्म देख ली, क्या हुआ इसमें? ले बेटा नंबर देख ले। लो ताऊ जी। बेटा बैलेंस भी कट जावे जो नेट चला में फिल्म देखे। नहीं नहीं ताऊ जी आप कर लो। ठीक है। हेलो आया बेटा मैं भी। अरे भाई विजयपाल। हाँ कौन? भाई तू बढ़िया आदमी है भाई, तू चाय पी के घर से निकल गया, बोनी बट्टा कुछ नहीं कराया, और उस दिन तो तू 5 लाख रुपए देने की बात कर रहा था, आज क्या हो गया तुझे? हाँ धर्मवीर, अरे भाई छो में नावे, वो तो मैं चैन पाल की तरफ कुछ लगाया था उक्का पीने। देख भाई तू मेरी बात सुन,
तू हमारा हिसाब कर जा, उसके बाद तो कहीं भी हुक्का पीता हांड, हम बेफिक्र हो जाएंगे, हमारी जो समस्या है उसका समाधान कर दे भाई तू आएगा। अरे मैं आऊंगा, तू बेफिक्र रहे। तू कुछ दे के जाएगा या हुक्का ही पीता रहेगा? अरे भाई बता फिर कितने दूं? भाई 500 तू पहले अपने मुंह से कह रहा था, उससे बढ़ा ले जितने बढ़ते हो। चल ठीक है। ठीक है तो तू मेरी बैठक पे आ जा, मैं हुक्का भरूं, जल्दी आ जा। हैं? ठीक है। ठीक है भाई। अरे बेटी सपना, ठीक है सपना बात होगी मेरी? ठीक है ताऊ जी। अब मैं चल रहा हूँ बेटा, ठीक है? ठीक है ताऊ जी। अरे वो सामान लेके आए थे, वो पैसे बचे थे वो दे। आजा भी विजयपाल, आजा बैठ। आगे धर्मवीर। अरे भाई तेने घना टाइम लगा दिया, मैं तो तेरी बहुत देर से बाट जो रहा था। मैं तो जल्दी आ जाता, चैनपाल ने जो है चाय बनवा ली थी। चाय तो भी रखी है, बिस्कुट भी रखवा रखे हैं, नमकीन भी रखवा रखे, यहाँ तक कि मैंने तो हुक्का भी ताजा करवा रखा। बालक तो नु कह रहे थे हलवा बनवा दे। हलवा तो रहने दे, मैं चाय पी लूंगा, दो बिस्कुट खा लूंगा, और ये ले पैसे। सारों का इंतजाम ना बना? आ जाएंगे, और भी आ जाएंगे भाई। और कितने मानू? और कितने, 2 लाख और दे दूंगा। इतने पैसे? पहले तो तू 5 लाख रुपए एडवांस देने की बात कर रहा था, अब तू इतने से पैसे दिखा रहा। भले आदमी, तू तो देख मेरी लड़की कितनी सुंदर है, सुशील है, स्कूल में भी जावे, 4 पैसे कमाए के भी लावे। अरे तेरा लड़का जिसकी उम्र भी निकल रही है, अरे देख सकल सूरत में कितना तालमेल भी नहीं बैठता भाई, कम से कम 3 लाख रुपए तो हो चाहिए। अरे मिल जाएंगे भाई, मिल जाएंगे, बाकी भी मिल जाएंगे, तू ब्याह तो करवा। अरे विजयपाल हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी मान के चल, हमारी ढब से सारे काम तैयार हैं, तू टेंशन मत ले, वह अपनी तैयारी कर ले और चाय पी ले। अब चाय भी पी ले। नमस्ते मैडम। नमस्ते। लक्की जी नहीं आए क्या? शायद अंदर होंगे, या आए नहीं, कंफर्म नहीं है। अच्छा ये उनका लंच बॉक्स है, ये उनको दे देना। ठीक है मैडम, दे दूंगा। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्ते लक्की जी, वो मैंने आपका लंच बॉक्स है ना गेट पे दे दिया है, आप उनसे ले लीजिएगा। मैडम मैं तो आज स्कूल नहीं आ रहा, तब मेरी एप्लीकेशन दे दो स्कूल में। अरे एप्लीकेशन तो मैं दे दूंगी, पर ये तो बताओ क्यों नहीं आ रहे? घर में झगड़ा चल रहा, दोनों तीनों पार्टी एक हो रही है, आज फाइनल है, सारे रिश्तेदार भी इकट्ठे हो रहे हैं। अरे आप तो स्कूल आ जाते, वो सब घर वाले कर लेते। मेरा रुकना तो जरूरी है, मेरी ढपता ना कोई भी, और आज फिर ढेरी लगाएंगी, मेरे पे तो छांटनी भी नापती, पता ना क्यों कर हिसाब बराबर होगा। अरे छोड़ो इसमें कुछ नहीं है। तुम भी उनकी ढपते बोल रही दिखो। अरे नहीं मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ मैडम जी, ये ढेरी लगानी कह रहे हैं, तुम 2-1 घंटे को आ जाओ, मेरी माई तना है या कोई भी, ना मेरे पे ढेरी लगानी आती ना छांटनी आती, पता ना क्यों कर बराबर होंगे। थारा बड़ा एहसान होगा, तुम आ जाओ, आज तो स्कूल का वैसे भी हाफ डे है, इस काम को करवा जाओ, और मैं तुम्हें रही बात ऐसी तो मैं तुम्हें छोड़ भी आऊंगा। अरे नहीं नहीं ये तो रिश्तेदार गांव वाले और जो घर के आदमी होते हैं वो सब करवाते हैं। मुझे थारा पूरा भरोसा है मैडम जी, तुम गणित भी पढ़ाओ, तुम तो 1 मिनट में सारा हिसाब किताब फिट बैठा दोगी। अरे एक काम और करियो, मेरी 5-4 दिन की एप्लीकेशन दे दियो, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा, मैं बस थारे भरोसे ही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम स्कूल के बाद में आती हूँ। ओके मैडम जी, तुम जरूर आ जाइयो, कभी उनकी धड़ा करो, कल तक पूरी कैडी राड चल रही है, अब तो न्यारे होके ही रहेंगे। अच्छा ठीक है। अरे के चून सा छान रहा भाई? हाँ चून ही छान रहा हूँ जी। ला बेटा तू टाल कर, मैं बनाऊंगी। ना मैं कर लूंगा। अरे ला बेटा मैं मान लूंगी चून, तू क्यों टेंशन ले रहा, मैं बनाऊंगी रोटी। अरे तू रहने दे, मुझे सारी जिंदगी चून खुद ही छानना है। अरे कभी माँ बाप की भी सुन लिया कर, कभी भाइयों की भी मान लिया कर। तुम के मनमान आयो मेरे ते। अरे सोनू मोनू कह रहे तेरा ब्याह करवान को, इस चून छानने से पीछे छूट जाएगा तेरा। ये मेरा ब्याह करवाओगे? उन्होंने होए होए ब्याह की राड मार दी, उनका तो इतना आसान बतरा, अखोन से पहले उन्होंने पूरे गांव में ढोल पीट दिया। अरे बेटा बेमाता ने झोली ना बटी है, जब बट देगी ना, जब सारे काम ठीक हो जाएंगे, तू क्यों घबरा रहा? अरे ठीक बता रही है, तू अपना काम कर ले, मुझे अपना सही गलत खुद देखना बस।
मुझसा मैं तो 15% भी मान गया था, पर खेल सारा बिगड़ गया। अब के करें? खेल तो तुमने बिगाड़ रखा है। कहते कि ना, या तुम्हारे कहने ते ब्याह कर ले या सड़क वाला घेर हमें दे दे। हम तो खुश हैं, ऐसे करो या वैसे करो। खुश तो तुम हो गई, मैं तो अपना काम भी छोड़ कर आया था। मगर पैसे आगे होंगे, कुछ मिल जाएंगे मुझे भी। तुम तो सारे अड़ंगे मांग दे बैठे। अरे मेरे प्यारे भैया, तू अपने पैसों की चिंता मत कर, तेरे पैसे तो ये कर देंगे। अरे चलो सारे घेर वाली बात देख ले। अरे वो शादी कर लेता तो घने फायदे में रह जाते। भाई घेर वाले पैसे लेते मेरे पे जोर पड़ेगा, फिर तुम घेर बेच के पैसे दोगे। इस बात को पहले ही साफ कर लेना कि किस किस को कितना मिलेगा। अगर बेचना पड़ा तो मेरे रामपाल के लिए डीलर से 2-2% दिलवा देना। अरे हम कहाँ डीलर के पीछे भागते फिरेंगे, हम तो तुम अपने घर से ही पकड़ा दियो, हम अपना काम देख लेंगे। अरे तो यहाँ क्यों बैठे हो, चलो बात करके देख ले। मुझसे दोनों भाई तो ढील ले, अब जो भी करना हमें तुम्हें ही करना। न्यारा होने का उमाय तो ना पूरा, पर ये ढीट है, सुनते नहीं। आज होंगे हम न्यारे, जिसमें हिम्मत हो रोक के दिखाइयो। अरे यू क्या मामला है, इस लटकू यहीं लिए खड़ा रही है नूना, आगे को मर जा। यूरिया कट्ठा 90 गज जमीन बांट दो, इसका ब्याह करवाओगे। अरे ब्याह को क्यों ना कर रहा, तभी नए नए सांग ठाए खड़े रहे हो। तू के टकरा खड़ा खड़ा, चल घेर में नाप, घेर को आज कर देंगे आदम सूद। मैं देखो घेर में कौन सा बढ़ जाएगा। हमें नहीं पता, जब मेरी बहन का ब्याह हुआ तुमने 96 बीघे जमीन बताई थी और 3 बीघे तुमने बाद में भी ली, उसी हिसाब से सबको एक तिहाई बैठ दो। ओ पटवारी, जब बंटवारा होगा तो बराबर का होगा, 3 हिस्से ना बटे 4 बटेंगे, यो और हम कहाँ जाएंगे। चौधरी साहब, जब हमने ब्याह करा था तो 100 बीघे जमीन बताई थी, आज हम इसी नाम के आ रहे, उस जमीन ने बांट दो। चौधरी साहब, हमारे पे 150 बीघे जमीन है या 100 बीघे, इसे छोड़ दो। तुम रिश्तेदारों को जोड़ने का काम करे, बांटने का काम नहीं क्या करते। और जब अपने लुंडे का ब्याह करोगे ना, उसमें 35 की जगह 70 बीघे जमीन बता दियो। ये कंजर नहीं आ रहे, आ जाए बीच में टांग अड़ाने। क्या करे इस मसले का, अब करना के इस मसले का, ढेरी लगाओ ढेरी। हाँ लाओ सारा सामान, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, बांट दो सारा जो जो हमें मिल रहा। हाँ नहीं लगेगी ढेरी, अरे वाले तो आ लिए, मेरी मैडम को भी आ जान दो। हाँ हाँ बुला ले, जिसे बुलाना है बुला ले, उस मैडम को देख लेंगे, उसे भी आ गए हमारे तो। अरे बुलाओ भाई जिसे जो बुलाना है, इस घर का तो नाश हो गई। नमस्ते जी। राम राम जी। आ जाओ मैडम जी। मैडम जी, अच्छा करा तुम यहाँ आ गई। अरे आप सब शांत हो जाओ भाई, मेरी ढप तो आ गई मैडम जी। अब तुम ढेरी लगवाओ छटवाओ कैसे भी करो, मैडम जी अपने आप देख लेगी। मेरी एक बात सुनोगे आप? हाँ सुना बेटा। मुझे तो नू लगा है, SDM बुला ली दिखा इसने। मैं कोई SDM नहीं हूँ, मेरी आप सब से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब झगड़ा ना करें। मैडम जी तुम हमें न्यारे ना होने दोगे? बहन जी मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखो अगर इनको अलग होना है ना तो ये लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि ये भाई भाई हैं और भाई भाई के झगड़े में आप ज्यादा इंटरफेयर मत करो। मैडम जी थारे दरों के ऐसे जुगाड़ है जो हम बिना लड़ाई झगड़े के न्यारे हो जाएं। हाँ जी आप माँ बाप से कहिए, वो बड़े हैं और वो आपको सहज तरीके से अलग अलग कर देंगे, क्योंकि एक किसान परिवार में अगर परिवार एकजुट होकर रहता है तो वो बड़े बड़े काम बड़े ही आसानी से कर लेता है। बेटा तू ठीक कह रही है। देखिए अगर आप ज्यादा डेवलप होना चाहते हो तो प्लीज लड़िए मत। हे भगवान, पहले तो ये दोनों ही बीच में टांगड़ावे थे, अब यू और पता ना कहां से आ गई। बेटी हम दोनों आदमी ने खूब कमाया इस घर में, और अभी वो घर बिगड़ रहा, हमारे दिल पे बड़ा जोर पड़ रहा। हमारे मरने के बाद सब इन बच्चों का ही तो है, पर इनके तसल्ली नहीं है तनसी देर की भी। हाँ माँ जी आप ठीक बोल रहे हो, अगर हम खुद को पहचान लेना तो ये घर के जो छोटे छोटे घरेलू झगड़े होते हैं ना ये बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छा माता जी ठीक कह रही है, तू यह ढेरी लगाना है छटना है, बोल रही है ज्यादा। बहन जी घर पे रहोगे तो लड़ाई ही सुझेगी, इनको कहो कहीं बाहर जाए कुछ काम करे। किसान परिवार में आपसी लड़ाई और आर्थिक रूप से कमजोरी का सबसे बड़ा कारण होता है आपसी सूझबूझ की कमी। मैडम जी तुम भी नहीं ढपते बोल रही, दिखो कैसे कैसे तो न्यारे होने का प्रोग्राम बना सारे में मैडम, फिर दिखो इस तो बड़े तो मैं ताऊ बलजीत को बुला लेता, वो आने की भी कह रहा था। बस हो गया अब फाइनल, जो आपको मिल रहा है वो सब आप ले लो। अब भाई भाभी और माता पिता दोनों से माफी मांगो। ठीक है जी। हमें तो एक भगवान ऐसी औलाद दे देता, हम तो गंगा जी ना लेते, ये दे दिए लीपने के ना पोतने के, जीते जी मारन लग रहे। इन्हें बता बंटवारा क्या हो, ये बंटवारे की बात करे मुझे लगे मेरे शरीर के 3 टुकड़े होने लग रहे। आज के बाद कोई लड़ाई नहीं करेगा, घर में जो भी काम करोगे सब मिलजुल के करोगे। ठीक है तो हम सामान ला रहे, चलो करो घर का नाश, दिखाओ आज इसका ड्रामा सबको, कर लो तुम जो तुम्हें करना है। भाई ये बासन लेकर आए थे ये। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ बता। अगर वो ज्यादा सामान भी मांगने लगे ना
तो नाय ना करियो, उसका ब्याह करवाने में फायदा हमें ज्यादा, ठीक है ना? करवाओ रिश्तेदार नास, पटवारी करवा दिया, अब तो रास्ता दिखवा ले गाँव को, उजड़वा दिया घर आज। मैडम जी मेरे तो बस यू ही सामान है, अरियारी बाइक की चाबी जिसे मैं झोटा बेच के लाया था। मैडम जी एक बात हमारी भी माननी पड़ेगी इसे। हाँ मानेंगे, इसे वहीं ब्याह करना पड़ेगा जहाँ हम कहेंगे। हाँ हाँ जरूर करेंगे। मैडम जी यो तो तुमने बहुत बढ़िया करा, चलो मैं थाली चाय लेके आ रही हूँ। हाँ मैडम क्या नमकीन भी लेकर आइए। अच्छा मौसा राम राम, हम तो चले हैं। चौधरी साहब जिस काम के लिए हम आए हैं हमारा तो वो काम हो गया, अब राजी खुशी रहना और चौधरी साहब मेरी राम राम। अच्छा चले हम तो। बैठो जी। थैंक यू। चाय लो जी। थैंक यू। बाबूजी को दो। बेटा कौन से गांव से है? रेवाड़ी से हूँ अंकल जी। अच्छा अच्छा जी। पापा का क्या नाम है? करमवीर। अच्छा क्या करते हैं बेटा? वो नहीं है अब। अरे भगवान, चल चाय पी बेटा तू। ले जी। चलो मैडम जी मैं तुम्हें छोड़ आऊं। हाँ हाँ बेटी तन्ने बहुत बढ़िया काम कर दिया आके, नहीं तो ये न्यारे होने के ऊपर ही लड़ लड़के मर रहे हैं। भगवान तेरी लंबी उम्र करे। लक्की बेटा को गांव तक छोड़ गया, घर तक छोड़ गया। हाँ जा। देखो आज के बाद कोई लड़ाई नहीं करेगा, जो भी काम करेगा माँ से बाबूजी से पूछ के करोगे, ठीक है? अच्छे से रहियो। ठीक है बाबूजी। जीती रहे बेटा। देख ले कितनी बढ़िया लड़की है, कितना समझा के गई। अगर थारी समझ में आ जा बात, अरे सारे मिलजुल के रह लो। मास्टर जी राम राम। राम राम जी। अरे मास्टर जी को कहाँ घुमाने जा रहे हो? अरे तुम ट्वेल्व मिलियो, मैं मैडम को छोड़कर वहीं आ रहा हूँ। भाई ट्वेल्व वाला अड्डा तो कर दिया हमने बंद, हम जा रहे हैं बलजीत के घर, तू भी वहीं आ जाइए। ठीक है। और जल्दी आ जाइए। ठीक है। कुछ प्रोग्राम बनाओगे? ठीक। अरे कैसे कैसे दोस्त रखते हो तुम? मैडम ये तो मेरी जान के टुकड़े हैं बिल्कुल, मैं आज जो कुछ भी हूँ बस इनकी वजह से तो हूँ। ठीक है चलो जल्दी चलो। ठीक है। अरे आ रहा हूँ मैं। हाँ चल 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 मिल। बाय। बस। अरे पहलवान कहाँ गिर रहे हो? क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैडम तुमने मेरे फांसी लगवा दी। क्यों हुआ? उन्होंने मेरा ब्याह तुड़वा दिया था, भांजी मार दी थी। शादी तय हो गई थी क्या? शादी तय ना हुई थी, गुट्ठी पर आन जाना था। अरे तो पहले बताते ना। न्यू ना हो करता मैडम जी, जिसे अपने काम के लिए बुलाए करें उसकी माननी पड़े। अच्छा ठीक है, पर कल स्कूल जरूर आना। मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, वैसे ही लेट हो गए। अरे नहीं मेरा घर पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है ठीक है। कहाँ जा रहा है? माने कुछ सामान लेने के लिए गया। ठीक है जल्दी जा। आ गई तू? नमस्ते मम्मी। हाँ आ गई। सपना तेरा फोन आ रहा, देखे किसका फोन आ रहा है। पता नहीं किसका है, कहीं ताऊ ने कल जो फोन किया था वो तो नहीं है। अच्छा देख फिर, रिकॉर्डिंग भी है, मैं एक बार सुनूं। सुन ले। अरे भाई विजयपाल। हाँ कौन भाई? तू बड़े आदमी है भाई, तू चाय पी के घर से निकल गया, बोनी बट्टा कुछ नहीं कराया,
और उस दिन तो तू 5 लाख रुपए देने की बात कर रहा था, आज क्या हो गया तुझे? अरे मैं आऊंगा, कुछ देखा जाएगा या हुक्का ही पीता रहेगा? अरे भाई बता फिर कितने दो? भाई 500 तू पहले अपने मुंह से कह रहा था, उससे बढ़ा ले जितने बढ़ते हो। चल ठीक है तो तू मेरी बैठक पे आ जा, मैं हुक्का भरूं, जल्दी आ जा। हैं ठीक है भाई। माँ ये ताऊ है या मेरे दुश्मन है? पैसों के लिए इन्होंने मेरा सौदा कर दिया, इन्हें तो अपने घर पे पैर भी नहीं रखने दूं। अब मैं पैसे भी ले लिए, एडवांस में भी ले रखे हैं। कैसा ताऊ है ये, इसकी तो खुद की छोरी जवान हो रही। अपनी छोरी ना क्यों ना बेक रहा, इसने तो मैं सबक सिखाऊंगी। अच्छा पजामे, तू इसे मुंह दिखाई में क्या देगा? अरे मुंह दिखाई, तू मुंह दिखाई की बात कर रहा? अब तो तुम इनके बालकों को खिलाने की तैयारी कर ले भाई। भाई हम तो ठाव फिरे इसकी फरद कि कैसे भी इसका ब्याह हो जाए, लेकिन इसने दे दी धार, अब मैं ना किसी का ब्याह करवाऊँ। अरे मैं तो अपनी जान पे खेल के फरद ले आता, नहीं तो ही लोन काट लेता, कट जाती इसकी आरसी। इसका मतलब अब मुंह दिखाई देने की जरूरत ना है? हाँ। अबे बीड़ी भी खत्म होगी दिखे। अरे देविंदर बेटा जरा बीड़ी माचिस पकड़ा दिए। बेहा तू मेरी छोरी ने बेक क्या, अपनी लुगाई ने बेक ले। क्या बक रही है तू? क्या बकरिया बता रहा है सपना? बताइए इसकी काली करतूत, इसके बाप ना है के तुम हमने गांव से निकालोगे? माँ आप चुप रहो, ताऊ जी सुनाओ क्या जो तारी बात हुई है, सारी रिकॉर्डिंग है इसमें। अरे मैं कुछ न सुनने, मैंने तेरे बाप के मरे पे इलाज के लिए 50,000 रूपए एक और 20,000 एक, टोटल 70,000 रूपए लगाए थे, मुझे 3% के साथ दे दो, मेरा कोई मतलब ना कहीं जाओ तुम। या तो मैं थारे 70,000 रूपए दूँ ना तो तुम मेरी छोरी ने बेकोगे। इतनी अर्जेंट 70,000 रूपए कहाँ से लेके आए? मुझे नहीं पता कहाँ से करोगे पैसों का इंतजाम, मुझसे आएगी दोनों माँ बेटी लड़न, मेरे पैसों का इंतजाम करो। मेरी छोरी करेगी तेरे पैसे का जुगाड़, तेने शरम तो आती नहीं होगी, तेरे पैसे का जुगाड़ मैं करूंगी मैं। हाँ इसकी धरी शरम, इस बार हांडे लो गेल मोटरसाइकिल पे, इसने करा जुगाड़ भी। जुबान संभाल के बात कर, हम ताऊ जी से बात कर रहे हैं। हमें सब पता छोरी तेरा। ताऊ जी आप बता दो पैसों का जुगाड़ कर दे या आपने जहाँ कहा वहाँ शादी कर ले, अगर पापा आज होते तो क्या वो भी यही बोलते? मुझे पता ना क्या बोलता वो। आपके मेरे बाबू थे कम हो, मैं तो आपने अपना बाबू मानू और आप ही ऐसा कर रहे हो। आपने तो मेरे से पूछना चाहिए कि बेटी किस शादी करनी है, कैसे करनी है, और आप मेरी माँ को तो धमका रहे हो। मेरे माँ बाप आपने गाली गलौज करके भगा दिया, आपको पता भी हम कैसे दिन काट रहे हैं, और एक ही मेरा भाई है सीधे मुंह बात भी नहीं करता, मुझे बदनाम करने पे तुला हुआ है। इन्हें तो बस पैसा चाहिए। निकल जाओ यहाँ से, मैं सारा काम करने लग रहा हूँ, आइयो मुझे घनी समझान। ताऊ जी हम समझाने नहीं, आपको बताने के लिए आए थे। हमें सब पता, हमें पैसे ये कलिकल, नहीं तेरा गला घोट दूंगा। तू घोटेगा मेरा गला? हाँ मैं घोट दूंगा। माँ बेटियों से दोनों से कह रहा हूँ मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे फालतू की बात नहीं सुननी। और सुन 2 दिन का समय दे रहा हूँ, जाओ यहाँ से। हाँ तो दे देंगे तेरे पैसे, चल सपना बेटे। देख कैसा कर ली तेरी चाची, तेरे पे को भी मुझ पे को भी। अरे जब तो ये ताऊ सब कुछ था, ताऊ जी यू ताऊ जी वो, मेरा भैया मर गया, मैं पालते पालते यहाँ मर गया, अब मैं अपने पैसे भी ना लूं, क्या चाहिए? और सुन तुझसे कह रहा हूँ नजर रखिए इस पे, इधर उधर कुछ भी हो जाए चाहे घर में अकेला पड़े, मुझे 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 आज कह रही है यू। ठीक है जाए यहाँ से, कोई धर्म धोरा नहीं रहा किसी का भी। हेलो, हाँ जी मैडम जी। लक्की जी कहाँ हो आप? हाँ रास्ते में ही हूँ, बताओ कि कहाँ मैं? एक मजबूरी थी, अगर वो हल हो जाती तो। हल भी हो जाएगी, तुम बात बताओ। वो बाबूजी जब बीमार हुए ना तो ताऊ जी से 70,000 रूपए लिए थे, तब बीमारी में वो सारे खर्च हो गए, अब कल वो पैसे वापिस मांग रहे हैं। तड़की जरूरी है के? हाँ जी,
नहीं तो वो मेरी शादी के लिए अड़े बैठे हैं। कल मेरी माँ को और मेरे को पता नहीं क्या क्या सुना दिया, मैं आपको बता भी नहीं सकती। पता नहीं किस शराबी कबाबी से मेरे लाखों रुपए तय कर रखे हैं उन्होंने। तुम चिंता मत ना मानो, तुम्हें तड़के 8 बजे पैसे वहीं मिल जाओगे। और कहती हो तो थारे ताऊ के 2 दब वहीं आके मारूं। अरे नहीं नहीं, कल सुबह बस 8 बजे आप रुपए लेके आ जाओ। ठीक है जी। फोन आ गया भाई लक्की का। चल स्पीकर ऑन कर, स्पीकर ऑन। हैंड फ्री। हाँ भाई लक्की। हाँ पहलवान, वे 15,000 रुपए चाहिए। 15,000 कहे को चाहिए? अरे मैडम मांग रही है। मैडम मांग रही, ब्याज क्या देगी? बकवास मत करे। अच्छा यो बकवास कर रहा, किस लिए चाहिए वैसे उसे? अरे बता दे के पता, हम उसे अपनी जान दे दें। नू नहीं पता के मामला, पर 70,000 रुपए मांग रही है। वे 15,000 ना, 14,000 है। क्यों, मैंने 15,000 रुपए दिए? 1,000 अखबार में खबर ना लिखवाई, उसमें खर्च हो गए। ठीक है यार 14 दे दे। अरे एक काम कर, तेरा यार फौजी छुट्टी आया धीरू, उससे बात कर ले। ठीक है ठीक है। जा तो रही है बैल। अरे यार मेरे दोस्त लक्की का फोन है। और भाई लक्की, और सुना क्या हाल चाल है तेरे? धीरू भाई कहाँ है? मैं यार लक्की नाई की दुकान पर आया हूँ सेविंग करवाने। तू ठीक भी है? हाँ मैं ठीक हूँ यार, 70,000 रुपए की जरूरत है, बहुत कैडी। घनी कैडी है? अरे 70 ही चाहिए, और चाहिए तो और भी बता, और भी दे दूंगा। ना 70 ही चाहिए। ठीक है तो मैं 1 घंटे में अपने घर आ लूंगा। ठीक है तो तू ले लिए या फिर मैं देना आऊँ? बस तू ही पकड़ा जी भाई। भाई पकड़ाऊँ तो फिर यार मैं तो शाम को 6-7 बजे तक आ जाऊंगा। ठीक है भाई। अरे लक्की भाई है के? अरे कहाँ है लक्की? अरे फौजी भाई आजा भाई, आजा 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 बैठ। ले भाई यार। अरे बैठ, पैसे पकड़ तू यार। अरे बैठ तो सही, पैसे भी आ जाऊंगे यार, इतने दिन में तो काम आया। अरे तेरे भगदड़ मच रही है एकदम, तू बैठ तो सही 2 मिनट। यार मैं जल्दी में हूँ, तुझे तो पता ही है यार 6 महीने में 4 दिन की छुट्टी पाए। तू बैठ, मैं चाय पानी ले आऊं, बैठ। अरे रहन देता यार। ले भी फौजी चाय पी। अरे यार रहन देता, तकलीफ क्यों करी तूने यार? इसमें भी कोई तकलीफ वाली बात है यार फौजी, तुम वहाँ सरहद पर कैसे कैसे रहो, देश की रक्षा करो, हमारे जैसे भाइयों की मदद करो, 6-6 महीने में घर आओ यार, या फौजी इसमें तो कोई बात ही ना थी भाई। यूँ तो हमारा फर्ज है यार, और कोई बड़ी बात है? और बताओ ड्यूटी कहाँ चल रही है फिर? ड्यूटी यार कश्मीर में अनंतनाग में चल रही है। अच्छा आऊंगा मैं भी वहाँ। अरे यार तुम पता काट लो, यूँ भी बहुत बड़ी बात है, हमारा भी दिल सलग जावे यार। तू सुना यार तेरी नौकरी कैसे चल रही है? बस भाई फौजी बहुत बढ़िया चल रही है, अब बहुत आनंद आ रहा जीवन जीने में अब तो। अच्छा हाँ बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई अब मैं चलूं, ले तेरे पैसे, मैं तेरे से कल मिलूंगा। तू पैसे पकड़ यार, 6 महीने में 4 दिन की छुट्टी पाया हूं, तेरी भाभी इंतजार कर रही है, समझे कर यार बात को। अच्छा फौजी फिर ठीक है भाई। ठीक है तो ठीक है फौजी है, ठीक है। अरे कहां हो भाई सारे मोनो? अरे क्या हाल है राम? भाई तेरे भाई का एजेंट हो गया वहां धर्मशाला, फूनम फून पड़ा सारा। एक्सीडेंट? हां उसे लिया जाके। हाय मेरा तो नाश हो गया। क्यों हो गया? एक्सीडेंट होगा भाई का। तुम यहाँ खड़े हो जल्दी आ। अरे पैसे लेते जाओ। अरे पैसे लेके चले, पैसे आएंगे तू बैठ। अरे पैसे है मेरे पे, निकलेगा 4 गिरेंगे। अरे उसे डॉक्टर गुलाटी के दिखवा लियो, कहीं और ना लेके जाइयो। अरे चुप हो जा बहू, चुप हो जा, कुछ ना हुआ। देख आज पूरा पूरा खून मेरा एक हो गया, ये अपने भाई को कुछ नहीं होने देने के। अरे जब खून खून को देख के इस तरह तोड़े है ना, यमराज की भी क्या हिम्मत है। वो किसी को ले जा, जा बेटा तू अंदर जा, तू अंदर कमरे में जा बेटा जा।
लकी लकी तू घर चले जा, डॉक्टर से मेरी बात हुई है, वो नु कह रहा छुट्टी कर दूंगा, घर वाले परेशान हो रहे होंगे उनसे बता दी ठीक है। अच्छा ठीक है। चल ठीक है। हाँ लक्की बेटा आ लिया तू, सोनू को ज्यादा चोट तो न लगी है? अरे भैया मेरा बड़ा मन घबरा रहा, बता दे कितनी लगी है उसके? अरे वो बिल्कुल ठीक है। लक्की के हाल है तेरे भाई के? ठीक है। अब भाई डॉक्टर गुलाटी के ले गया था क्या? हाँ जी। MRI CT स्कैन एक्सरे वैक्सरे करवा लिए? सब करा लिया, अब ठीक है, अब छुट्टी मिल जाएगी उसे। चल बहुत बढ़िया। अब तू तो बता दे भाई साहब कितनी देर में घर आ लेंगे? बस छुट्टी हो जाएगी तो घर आ लेंगे। अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है अब? अरे मैं जा रहा हूँ किसी बहुत जरूरी काम से, आके बताऊंगा ठीक है ना? चलो दीदी लक्की तो कह रही तो मैं ये रात दिन का कलेश ठीक न रहता घर में। अरे एक बात तो सुन, सुबह का बुल्ला सांझ को घर वापस आ जाए उसे बुल्ला नहीं कहते? देख आज मारे ऊपर बहुत बढ़िया मुसीबत आई, पर कम से कम हमारा पूरा परिवार तो एक हो गया। देख इस बात से भी कम से कम संतुष्टि कर ले। अरे तू क्यों परेशान हो रही है, चल फेर कर लियो ना फोन। किसे करा रही है फोन? अपनी जमाई करवा देगी फोन। हाँ हाँ इनके जमाई को ही कर रही हूँ फोन, आवेगा जब तुम भी मिल लियो। हाँ दे देंगे थारे पैसे, चाहे यो घर में ना बेचना पड़े तो दे दे फिर। रोक कौन रहा? 14 साल के 3% से ब्याज लूंगा पूरा ठोक के, कभी 70,000 रुपए मान नहीं हो। हेलो। हाँ मैडम जी, आपका घर किधर को है? अरे क्रमवीर का घर पूछ लो, कोई भी बता देगा। अभी कहाँ हो? अच्छा आ लिया बस। अच्छा ठीक है आ जाओ। आ लिया के थार जमाई? चुप रह, थारा हमारा रिश्ता सिर्फ 70,000 तक है। चुप तो तू हमें करी देगी, तेरे कॉन्टेक्ट कैसे है? सपना मैडम। अरे लक्की जी आइए। बापू ये तो वही खकड़ है। तू देगा हमारे पैसे? पैसे तो बाद में लेंगे, पहले हम इसे पीटेंगे। पीट बाद में लियो, पहले पैसे ले लो। ला फिर। अभी तो मेरे पास 10,000 रुपए हैं और बाद में ले लियो। यू उतारेगा मेरा कर्जा? इसी की वजह से जो तेरे पैर जमीन पर न पड़ लेते? अरे इससे कुछ नहीं होने का, अगर मेरा कर्जा उतरवाना है ना तो इससे बोल अपने 10-20 यार और बुला ले, जब ही उतर पाएगा। ओए जवान सवाल का बात करिए मैडम ते, अरना धरती में गाड़ दूंगा। फालतू बोल रहा, बांध वे से पेड़ से। ओए चल। हेलो। अरे कहाँ गई लक्की तू? मैं मैडम के यहाँ हूँ, तेरे घर जो पैसे हैं वे लिया और मोनू के घर जो पैसे वे भी लिए। ये अरे तू चिंता मत कर, मैं इन पर हाथ छोड़ दूंगा, मैंने तो फर्ज ना छोड़ी। चल ठीक है, तू मोनू को बता दिए? ठीक है। मंगा ले जल्दी मंगा ले, जितने भी मंगाने हो। लक्की कहाँ है? मैं मैडम के यहाँ हूँ, यहाँ कुछ राड सी होगी थी, इनका ताऊ बदतमीजी दिखा रहा। अच्छा तू परेशान मत हो बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। कैसे बदतमीजी कर रहा, हम तेरे साथ हैं। इन पे पैसे हैं इनके ताऊ के, ताऊ इन्हें दुखी कर रहा मैडम हर को। तू 60,000 रुपए लिए ये। मैं आ रहा हूँ पैसे लेकर, सब तेरे साथ हैं। ठीक है आ जाओ। क्या हो गया लक्की को, कहाँ है वो? लक्की मैडम के घर है, उसे उसके ताऊ परेशान कर रहे हैं, वो कुछ पैसे मंगा रहा। तू लेके जाओगे पैसे? हाँ मैं जाऊंगा।
मैं जरूर चलूंगा। अरे तू रहने दे, मैं देख लूंगा सब। ना अरे तू रो मत ना, भाई द्वारा सब चलेंगे। अरे अरे ऐसा मत कर, अपने मन को भारी मत कर, हम जाएंगे सारे मिलकर उसकी मदद करेंगे। अरे तू ऐसा मत कर, उसने अपनी सारी कमाई अरे अरे मेरे पीछे लगा दी। अरे 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 हम भी चलेंगे, सारे चलेंगे, भाई के ऊपर कोई दिक्कत ना आने में, कुछ आफत आई है तो हम गैर खड़े हैं उसके, ऐसा मत कर तू। अच्छा तू चलेगा, चल मैं तेरी छुट्टी करवा दूं, दोनों भाई साथ चलेंगे, अपने भाई द्वारा खड़े होंगे, कुछ समस्या तो उसके साथ खड़े हैं हम। पिताजी उनका फोन आया है, लक्की को पैसे की बहुत जरूरत है, आप मेरे अंगूठी और मेरे कंगन ले जाइए, बस आप लक्की को बचा लीजिए। बहू मुझे इस पूरे परिवार की एकता चाहिए, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है, रुपए पैसे बहुत है मेरे पास, कहाँ है मोनू, हॉस्पिटल से कहाँ है वो खंजरपुर के मोड़ पे खड़े हुए हैं। पापा जी आप मेरी ये चैन भी ले जाइए, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। बेटा तुम एक रहो, पैसा बहुत है मेरे पास, ट्रैक्टर की चाबी ला जल्दी, तुम्हारे कुर्ते की जेब में, चलो चलते मुझे। अरे कोई मुझे अभी तो बता दो क्या हो गया। अरे यहाँ क्या कर रहे, तुम आओ ट्रैक्टर में बैठो, आओ जल्दी आओ। अरे पीछे को ले आ, तू इसे भी ले आ, इसका तो वैसी चोट लग रही, आराम से बैठियो, ध्यान से बेटा, आराम से बैठ बेटा, आराम से। अरे तू तो ठीक है अब, खेत पे आवे ले ले। लक्के अरे क्या बात हुई। पिताजी आप तो जानो ही हो, ये मैडम जी हैं, ये इनके ताऊ हैं, इन्होंने इनके पिताजी के इलाज में पैसे खर्च करे थे, उसको लेके ना परेशान कर रहे हैं। अरे क्या नाम भाई तेरा? धर्मवीर सिंह। अरे धर्मवीरे तुझे शर्म लिहाज है कि नहीं, तू तो ताऊ लगे इनका। अरे तू इनसे पैसे और उस पर ब्याज भी मांगने लग रहा, तुझे शर्म लिहाज है कि नहीं? अरे परिवार क्या हो तुझे पता भी है कुछ? तेरी तो अपनी सगी भतीजी है या, और इनसे पैसे मांगा लग रहा है? अरे तू ही तो इनका है, जब इसके बाप ना रहा तो तू ही तो सब कुछ होगा इसका, और तू इससे भी पैसे वसूलने के चक्कर में पड़ रहा, शर्म लिहाज कुछ रही या नहीं रही तुझे? अरे मुझे देख, मेरा परिवार बिखर गया था, कमजोर हो गया था, धरती में घुस गया था मैं, आज देख मेरा परिवार और मेरी छाती देख कैसे तन रही है, परिवार सब कुछ हो जल और कुल एक मिनट में मिल जाए करे। अरे अभी भी अपनी गलती स्वीकार कर ले, समझ गया पैसे पैसे करने लग रहा, कितने पैसे हैं तेरे? ब्याज ना जोड़ा 70,000। अरे शर्मा जब ब्याज की बात कर रहा है, कितने पैसे ले रहा है लक्की? 10,000 रुपए हैं जी। ला दे, ले थाम पैसे ले, और आज के बाद गलत निगाह से इनकी तरफ ना देख लिए, या तेरी बेटी है। अरे महारा देख, नास हुआ पड़ा था, एक हुए है ना, आज सब पे भारी है, तेरी तो जिम्मेदारी बने थी इनकी, और जिम्मेदारी से भाग गया, तुझे शर्म लिहाज ना आ रही है, निकल इस घर से बाहर, जलील आदमी बाहर निकल, उंगे मत देखे, सारे रिश्ते नाते सब भूल गया। चौधरी जी आज तुमने हमारे घर की इज्जत बचा दी, आओ बैठो। चौधरन वो मूर्ख है, अपने परिवार की इज्जत खुद दांव पे लगाने लग रहा, इस पैसे के ऊपर रिश्तों को भी, मेरे तीनों बालक एक हो गए, मेरी छाती आज कितनी चौड़ी हो गई, मेरे में कितना अभिमान आ गया है। अरे मैं तो चौधरन एक बात कहूँ हाथ जोड़ के, इस लड़की का रिश्ता मेरे लक्की के लिए दे दे, इससे भी पूछ ले इसे कोई एतराज तो ना है। अरे तू भी पांच छूले, अरे लक्की कहाँ है 20-30,
ला मैं देखूंगा उन्हें, मैं फोड़ूंगा उन्हें। अरे पहलवान तू बताओ।